असलम आईकम एंड गुड इविंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के पाँचवें रोज़ में मैं जमील अहमद असिस्टेंट डी एस डब्ल्यू आप सभी का खैर मकदम करता हूँ और इस दिन आज इस पाँचवें रोज़ में हमारे पास तीन लेक्चरस होंगे जिसमें से सबसे पहला जो लेक्चर होगा वो डॉक्टर महराज अहमद साहब लेंगे जो जिनका होगा कल्चरल एक्टिविटीज़ जिनका ताल्लुक़ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से है वहाँ पे वह असिस्टेंट प्रोफेसर के उदे पे फाइज हैं उसके साथ उसके बाद हॉस्टल लाइफ पे सेशन होगा जिसमें कि प्रोस्ट गर्ल्स और बॉयज़ पार्टिसिपेट करेंगे और आपके सामने मधु होंगे उसके साथ में आज के रोज़ का आखिर आखिरी लेक्चर जो होगा वो प्रोफेसर मोहम्मद फ़रियाज़ साहब लेंगे जो कि चेयरपर्सन है एनएसएस के और वो आपसे कनेक्टिंग विद कम्युनिटी टॉपिक्स पे डिस्कस discuss, डिस्कशन करेंगे तो मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले महराज साहब से गुजारिश करता हूं कि वे आएं और अपना सेशन स्टार्ट करें शुक्रिया कदम बढ़ाओ तरक्की की शाहराहों पर नया इरादा नई सुबह ज़िंदगी लेकर हमें अंधेरों से लड़ना है अपने हक़ के लिए नए निज़ाम की सूरज नए निज़ाम के सूरज की रोशनी लेकर बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब मुझे दावत देने के लिए इसक्राम तलबा और अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मिराज अहमद है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन हमारा नेशनल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूं और आज बात कल्चरल कोऑर्डिनेटर मैं आप लोगों को ख़िताब कर रहा हूँ uh, मैं आज आपको कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ का इम्पोर्टेंस और हमारे यूनिवर्सिटी में इस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें uh, मुहैया हैं उसके बारे में एक छोटा सा लेक्चर uh, दूंगा आप लोगों को बताऊंगा एक छोटा सा पीपीटी भी मैंने तैयार किया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए देखिए ज़िंदगी के हर सांस के साथ चुपके से एक लम्हा गुज़र जाता है लेकिन हमें उस वक्त एहसास भी नहीं होता कि ये लम्हा जो अभी अभी गुजरा वो कितना कीमती था यही लम्हे जब माहों साल में तब्दील हो जाते हैं तब एहसास होता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान के पास यादों के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता वो अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं यादों के साथ काट देता है इसीलिए ज़िंदगी के सफ़र में सिर्फ़ तालब इल्मी का ही एक दौर है जब कोई भी इंसान अपनी सलाहियत काबिलियत और फ़न को उजागर करता है और यहाँ पे सीखता है और अपनी आने वाली ज़िंदगी में इसकी बदौलत समाज में अपना एक आला मकाम तैयार करता है

शुक्रिया रेहान भाई इस चीज़ को समझने के लिए कि लिटरेर और कल्चरल एक्टिविटीज़ के इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको एक छोटा सा छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा जैसे देखिए गांव में जिस तरह बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन उसमें से किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं होती एक इंसान फ़ौज में भर्ती होने के लिए जब फ़ौज की ट्रेनिंग लेकर वापस गांव आता है तब वो एक भीड़ से अलग दिखाई देता है वो एक गांव वाला नहीं रह जाता बल्कि एक फ़ौजी कहलाता है उसी तरह जब कोई भी लड़का या लड़की कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखला लेता है तो वो सिर्फ़ एक स्टूडेंट होता है उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती उसका अपना कोई आ, पहचान नहीं होता वो सिर्फ स्टूडेंट होता है लेकिन जब वो लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करता है या भी कोई भी कल्चरल क्लब को ज्वाइन करता है तो वो अपने फ़न को उजागर करता है आ, अपने फ़न से लोगों को बताता है अपने इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है उसकी शख्सियत निखर जाती है बल्कि समाज में भी उसका एक अलग मुकाम बन जाता है वो भीड़ से अलग दिखाई देने लगता है हमारी यूनिवर्सिटी में लगभग तीन से चार हज़ार स्टूडेंट्स हैदराबाद कैंपस में पढ़ते हैं यहाँ पर हर क्लब में लगभग तीस स्टूडेंट हैं तीस स्टूडेंट क्लब के मेम्बर्स होते हैं वो तीन से चार हज़ार इस्टूडेंट्स के बीच में वो तीस स्टूडेंट अलग से दिखाई देते हैं उनकी अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है अपना एक अलग पहचान होता है ये क्लब ज्वाइन करने से आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें एक तो एडिशन होता ही है उसके अलावा आप सेल्फ़ रिलायंट हो जाते हैं आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है देखिए मेरा मानना है पढ़ाई के साथ साथ अदबी और शिकाफती सरगर्मियाँ इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि ये तलबा में ख़ुद एतमादी यानी कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं और उन्हें खुद कफ़ील बनाती हैं और अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाती हैं देखिए यूनिवर्सिटी के कई ऐसे स्टूडेंट की मिसाल हैं जो बहुत शर्मीले थे आगे बढ़ने में झिझकते थे मगर जब उन्होंने कोई भी क्लब ज्वाइन किया उसके बाद उनकी पर्सनालिटी में इतनी ज़्यादा तब्दीली आई कि वो सारी यूनिवर्सिटी को दिखाई दी और वो आगे चलकर उन्होंने कामयाबी भी हासिल की एक बच्चे की मिसाल मैं ख़ास तौर से देना चाहूँगा जब उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिला था लेकिन धीरे धीरे उसने एक क्लब को ज्वाइन किया और अपने अंदर काफ़ी चेंजेस लेकर आया पहले तो उसने बैक स्टेज में काम किया लेकिन बाद में उसने बहुत सारे प्लेज किए और आ, स्टेज पर परफॉर्मेंस किया और, आ, और उसने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को सेंट्रल जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे काफ़ी नाम भी कमाया इस उस बच्चे का नाम नजीबुल्ला अंसारी है जो गाजीपुर के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखता है इस बच्चे का जो फोटो में आप देख रहे हैं एक नुमाया तौर पे आपको फ़र्क दिख रहा होगा 2016 का फोटो है और जो अभी का फोटो है इस बच्चे अभी ये बच्चा ई में एज अ कंटेंट राइटर अपनी जॉब दे रहा है मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि मैं आपको बता सकूं कि कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से यूनिसेफ़ यूनिस्को यूजीसी इन सब ने लिटरेर कल्चरल एक्टिविटीज़ को यूनिवर्सिटी में ज़रूरी ज़रूरी एक हिस्से के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है हमारे यूनिवर्सिटी में लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटीज़ के नाम पे पांच क्लब फ़िलहाल 2016 से हैं जिसमें यूनिवर्सिटी लिटरेरी क्लब है, यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब है यूनिवर्सिटी म्यूज़िक क्लब है यूनिवर्सिटी फिल्म क्लब है और यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स क्लब है यूनिवर्सिटी लिटरेरी क्लब यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब में ऑलरेडी स्टूडेंट्स एज मेंबर काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी म्यूज़िक क्लब यूनिवर्सिटी फिल्म क्लब और यूनिवर्सिटी फ़ाइन आर्ट्स क्लब में इस साल से मेम्बरशिप शुरू की जाएगी हमारे क्लब का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है कि प्रेसिडेंट क्लब को लीड करते हैं वो यूनिवर्सिटी के किसी भी टीचर जो भी इस फील्ड में माहिर माहिर होते हैं उनको बनाया जाता है उनके अंडर में सेक्रेटरी होते हैं जो स्टूडेंट के बीच से जो टैलेंटेड और सीनियर स्टूडेंट हैं उनको बनाया जाता है उनके साथ सेक्रेटरी के साथ एक जॉइंट सेक्रेटरी होता है जो काफ़ी स्किल्ड होता है सेक्रेटरी का हेल्प करने के लिए बनाया जाता है और ता, और ये दोनों मिलके सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी क्लब को चलाते हैं उसके बाद मेंबर्स होते हैं यार क्लब में जो इंटरव्यू के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट्स के बीच के जो रिलेशनशिप होता है एक म्यूचुअल होता है जिसमें प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट के बीच की बातों को पहुँचाने का काम करता है Uh, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन दूंगा सारे सारे क्लब्स के बारे में जैसे यूनिवर्सिटी लिटरेरी क्लब जैसे उस नाम से ही जाहिर है लिटरेचर के ऊपर काम करती है इसमें डिबेट कराया जाता है एलोकेशन कराया जाता है ऐसे राइटिंग कराया जाता है डिबेट में हम डिफरेंट uh, टॉपिक्स पे डिबेट करते हैं बच्चों को बताते हैं डिबेट डिबेट में uh, कैसे रिसर्च किया जाता है डिबेट को कैसे प्रेजेंट करना है एलोकेशन में चीज़ों को पढ़ने का तरीक़ा बताया जाता है ऐसे राइटिंग में हम क्रिएटिव राइटिंग सिखाते हैं कैसे लिखा जाएगा और लिख कर आप अपने मैसेज को कैसे कन्वे कर सकते हैं बैतबाजी जाहिर है बैतबाजी भी यहाँ सिखाई जाती है ताकि बच्चों को उर्दू शायरी में महारत हासिल हो सके उसके बाद यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब है जहाँ पर थिएटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जैसे प्ले मोनो एक्टिंग मिमिक्री इन सब चीज़ों को आ, करते हैं हम लोग यहाँ पे बहुत सारे प्ले परफॉर्म किया है यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब ने जैसे लाल बस्ता आ, किताबों का कफन जामुन का पेड़ आ, बहुत सारे प्लेज हैं उसके बाद मोनो एक्टिंग बच्चे करते हैं मिमिक्री करते हैं स्ट्रीट प्लेज किया जाता है यहाँ पे एक्सप्रेशन और साउंड मॉड्यूलेशन के ऊपर वर्कशॉप भी कराया जाता है ताकि आपका एक्सप्रेशन जो प्लेज में हो वो परफेक्ट हो आवाज़ के उतार चढ़ाव को आप समझ सकें बॉडी लैंग्वेज पे काम होता है ताकि आप पे आपका लैंग्वेज जो बॉडी का लैंग्वेज हो वो आपके आ, उसके हिसाब से हो स्क्रिप्ट के हिसाब से हो उसके अलावा हम यहाँ पे प्लेस को पढ़वाते भी हैं बच्चों से लिटरेचर बहुत जरूरी है किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए उसके बारे में नॉलेज होने होना भी बहुत जरूरी है इसलिए हम प्लेस को हर हफ्ते ज़रूर पढ़ते हैं एक प्ले दो प्ले तीन प्ले जितना भी हो सकता हो सकता है हम प्लेस को पढ़ने की आदत भी डालते हैं इसके बाद यूनिवर्सिटी म्यूज़िक क्लब है जहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं जैसे गज़ल सराई हम यहाँ पे सिखाते हैं सूफ़ी म्यूज़िक पे यहाँ काफ़ी काम होता है उसके अलावा इंडियन क्लासिकल वोकल म्यूज़िक जो है हमारे मुजफ्फ़र साहब हैं और करण सिंह उतवल सर हैं वो लोग सिखाते हैं उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाना हम सिखाते हैं जैसे गिटार है पियानो है तबला ढोलक इसके लिए हम बाहर से लोगों को बुला के वर्कशॉप भी कराते हैं ताकि बच्चों को इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना आ जाए आ, म, मैं आप लोगों से जो लोग आ, सुन रहे हैं मैं उन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ स्टूडेंट्स से अपने कि वो मुझे ज़रूर बताएं कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं ताकि मैं इसको एज अ फीडबैक यूज़ कर सकूँ जब आप यूनिवर्सिटी में आए तो हमें आपको पहचानने में आसानी हो और हम ज़्यादा कुछ न करके आपको उन्हीं चीज़ों पे तवज्जो दिला सकें मैं ये भी आप लोगों से जानना चाहूँगा कि अगर आप ड्रामा क्लब में इंटरेस्टेड हैं तो आपने अगर कभी कोई प्ले किया है तो उस प्ले के बारे में मुझे बताइए कौन सा प्ले किया है ये मेरे लिए काफ़ी अहम होगा ताकि आप जब भी यूनिवर्सिटी आए तो हम उसको एज अ फीडबैक यूज़ कर सकें इसके अलावा इस साल से हम यूनिवर्सिटी फिल्म क्लब भी शुरू कर रहे हैं अभी तक ये फ़िल्म क्लब बन चुका था लेकिन मेंबरशिप ओपन नहीं किया था हम लोगों ने इस साल से यूनिवर्सिटी फिल्म क्लब की भी मेंबरशिप ओपन होगी जिसमें हम बच्चों को फिल्म स्क्रीनिंग करेंगे उनको फिल्म दिखाएंगे क्लासिकल जो फिल्म हैं चाहे वो हिंदी हो तमिल हो तेलगू हो मलयालम सिनेमा हो बंगाली सिनेमा हो या फिर इंटरनेशनल फिल्म में इरानियन सिनेमा है ईरानियन सिनेमा का कल्चर बहुत रिच कल्चर है उसको हम और फिर उस फिल्म्स के ऊपर डिस्कशन होगा उन हम जानने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के साथ मिलके कि इस फिल्म में क्या दिखाया गया फिल्म का डायरेक्टर क्या बताना चाह रहा था क्या सोसाइटी को सोसाइटी को इस फिल्म से क्या हेल्प मिला क्या कलर यूज़ किया है क्या कॉस्ट्यूम है अगर कोई सेट यूज़ किया है फिल्म में तो वो क्यों यूज़ किया गया है ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती हैं हम फिल्म सिर्फ इंटरटेनमेंट के परपज़ से देखते हैं लेकिन अगर इसको इंफोटेनमेंट के परपज़ से देखा जाए तो उसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है उसके अलावा हम फिल्म क्रिटिक भी करते हैं फिल्म देखने का और क्रि क्रिटिसाइज़ करने का नज़रिया चेंज करते हैं फ़िल्म देखने का तरीक़ा बताते हैं आपको उसके अलावा फ़िल्म मेकिंग भी हम सिखाते हैं यहाँ पर सिखाएंगे हम यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर है जो वेल इक्विप्ड है फिल्म बनाने के लिए इनके पास सारे इक्विपमेंट हैं जिससे फिल्म बनाया जा सके हम इनकी भी मदद लेंगे और वर्कशॉप भी करेंगे फिल्म मेकिंग के ऊपर थ्यूटिकल पार्ट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के टीचर्स हैं जो हमें फ़िल्म का थियोटिकल पार्ट बताएंगे इसके अलावा हमारे पास एक यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स क्लब है जिसमें हम खत्ताती सिखाते हैं कैलीग्राफ़ी सिखाते हैं चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो उर्दू हो इंग्लिश हो अरबिक हो या हिंदी हो उसकी कैलिग्राफी के लिए वर्कशॉप कराई जाती है क्ले मॉडलिंग सिखाएंगे हम मिट्टी से चीज़ों को कैसे बनाया जाता है उसके बाद ऑन द स्पॉट पेंटिंग के काफ़ी वर्कशॉप यहाँ हो चुके हैं uh, हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ऑन द स्पॉट पेंटिंग सिखाने के लिए चाहे वो कैनवस पे हो वायल पेंटिंग हो या वाटर कलर हो फोटोग्राफी और इंस्टॉलेशन के बारे में भी हम यहाँ बताते हैं ऑन द स्पॉट फोटोग्राफी मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप किस तरह की फोटोग्राफी पसंद करते हैं इंस्टॉले कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा इंस्टॉलेशन भी एक उभरता हुआ आर्ट है जिसमें जो खराब या डिस्कार्डेड आइटम्स होते हैं उनसे कोई मीनिंगफुल चीज़ें क्रिएट करने का फन सिखाया जाता है अभी कुछ दिन पहले ही यूनिवर्सिटी में एक क्लब के बच्चों ने एक इंस्टॉलेशन किया था सूखे पेड़ से प्लास्टिक वगैरह लगाकर कर ग्लोबल वार्मिंग को बताना चाह रहे थे कि कितनी ख़तरनाक चीज़ है देखिए हकीकत ये है कि जब आप इन सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं तो आप न सिर्फ अपने इल्म में इजाफा करते हैं बल्कि आपकी शख्सियत भी संवर जाती है जैसे डिबेट में हिस्सा लेकर आप को नॉलेज तो होगा ही जब आप रिसर्च करेंगे उस टॉपिक के ऊपर आपको चीज़ों को पेश करने का फ़न भी आ जाएगा उसी तरह जब ड्रामा में हिस्सा लेंगे तो आवाज़ का उतार चढ़ाव, जज्बों का इजहार खुशी और गम में कैसे बर्ताव किया जाता है ये सब टेक्निक आप सीखेंगे जो आगे जाकर इंटरव्यू के वक्त या किसी भी चीज़ में जब आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है उस वक्त ये चीज़ें बहुत काम आती हैं इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है जिससे लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके जैसे ओपन एयर थिएटर है एम थिएटर है डी डी ऑडिटोरियम है सी यू सी एस है ये सारी चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए गर्ज यह कि सारी सरगर्मियाँ जो हैं वो इंसान को इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बनाई गई हैं जैसे मैं ओपन थिएटर ओपन एयर थिएटर के बारे आपको में आपको बताऊँ ये इसमें लगभग पंद्रह कैपेसिटी है बच्चों के बैठने के लिए एम्प्लॉइज़ के बैठने के लिए इसके अलावा इसमें ऑडियो सिस्टम पूरी तरह फिट है माइकस हैं स्पीकर्स हैं और लाइट सिस्टम भी यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी मुहैया कराने वाली है अभी हम हायर करके यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा ओपन एयर थिएटर के पीछे दो बड़े बड़े कमरे हैं जिसको ग्रीन रूम कहा जाता है उसमें हम सेट भी रखते हैं बच्चों को तैयार होने का हिस्सा भी है उसमें मेकअप भी वहीं पर किया जाता है एमफी थिएटर है हमारे पास जो एक ओपन लोकेशन है सौ से ज़्यादा की कैपेसिटी बैठने की है यहाँ पे एक एक बड़ा सा पत्थर को इस्तेमाल करके स्टेज बनाया गया है और यहाँ का एम्बियंस बहुत ही वाइब्रेंट है आप जब यहाँ पे काम करेंगे या कुछ प्रेजेंट करेंगे तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप स्टेज पे हैं एक्चुअली एक नेचुरल लोकेशन पे है तो आपको एक डिफरेंट फीलिंग आएगी और आपके अंदर जो एक्सप्रेशन होगा वो ज़्यादा उभर के आ जाता है इसको इसके नेचुरल होने की वजह से उसके अलावा फॉर्मल सेटअप के लिए डीडी डी ऑडिटोरियम है डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के अंडर में है यहाँ पे सीट्स लगी हुई हैं कंफर्टेबल सीट्स लगी हुई हैं जिसमें 600 से ज़्यादा कैपेसिटी है यहाँ पे प्रॉपर ऑडियो और लाइट का इंतज़ाम भी है ग्रीन रूम भी बना हुआ है जिसमें जिसका इस्तेमाल हम लोग अक्सर करते हैं सेंटर फॉर उर्दू कल्चर स्टडीज़ यहाँ पे इस्टेबलिश है जिनके पास एक छोटी लाइब्रेरी है जहाँ पे कल्चर और लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे रीडिंग रूम है जहाँ आप पढ़कर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं बुक्स का फायदा उठा सकते हैं रीडिंग रूम में उसके अलावा रिहर्सल के लिए भी रूम बने हुए हैं जहाँ पे थिएटर और लिटरेचर का रिहर्सल किया जाता है किसी प्ले का रिहर्सल करते हैं हम वहाँ पर स्किट का करते हैं या डिबेट वगैरह का रिहर्सल भी हम वहाँ पर करते हैं ये तो सारी चीज़ें थी जो हम अभी तक कर चुके हैं और अभी हम और भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं तालीम का देखिए तालीम का मतलब सिर्फ़ किताबी इल्म नहीं है बल्कि तालीम का मतलब किताबी इल्म के साथ साथ सियासी समाजी और माशरती माहौल का अमली जानकारी भी है और ये सब आप जब कर सकते हैं जब आप लिटर और कलचरल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और हिस्सा लेने के बाद जो अचीव आप करते हैं वही हमारे लिए भी अचीवमेंट होता है इसीलिए हमारे सबसे हमारा जो हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो आप होंगे हमारे स्टूडेंट होंगे इसके अलावा हमने सेंट्रल जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया दो साल पहले इसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइज करती है और इसमें हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हो वो पार्टिसिपेट करती हैं और इसको हिंदुस्तान को इसमें पांच जोन में बांटा हुआ है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल जोन हैदराबाद हमारी यूनिवर्सिटी हैदराबाद होने के नाते सेंट्रल जोन में आती है तो हमारे स्टूडेंट्स संबलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा में जाकर पार्टिसिपेट करके आए और काफ़ी नाम भी कमाया इसके अलावा हमें उर्दू घर हैदराबाद से स्पेशल इनविटेशन मिला था प्ले करने के लिए प्ले का नाम था रंग नगरी जो भारतेंदु हिंदू हरीश चंद्र का प्ले अंधेर नगरी चौपट राजा से एडोप्ट किया गया था और वहाँ भी उसकी काफ़ी तारीफ हुई उसके अलावा हमने हैदराबाद में और मानू में बहुत सारे प्लेज किए ऑडियंस के लिए जिसमें से लाल बस्ता मैंने आपको बताया था लाल बस्ता रंग नगरी ये सब नुमाया प्ले हैं उसके अलावा स्किट भी बहुत सारे किए बहुत सारे मौजुआ पे औरतों की मौजुआ पे सफाई पे बहुत सारे स्किट भी हम लोगों ने हैदराबाद में प्ले किए अभी ये सब सारे जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो पास्ट की हैं अभी हम एक फ्यूचर में भी काफ़ी चीज़ें करने का प्लान बना रहे हैं जैसे हम और भी क्लब्स एस्टेब्लिश करना चाहते हैं हैदराबाद में तो है ही है उसके अलावा मानू के जितने भी सेंटर्स हों चाहे वो दरभंगा है या भोपाल है कश्मीर है वहाँ पर भी सारे क्लब्स लिटरेरी क्लब म्यूजिक क्लब ड्रामा क्लब ये सारे क्लब्स बनाने का प्लान है उसके बाद वहाँ पे बच्चे आपस में कम्पीट करके एक टीम हैदराबाद आएगी फिर वो सारी टीम आपस में कम्पीट करेगी ये एक प्लान है उसके अलावा इको क्लब भी खोलने का प्लान है जिसमें हम ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड चीज़ों को आ, बताने की कोशिश करेंगे कि पेड़ कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अभी इन सब चीज़ों की हॉबीज़ क्लब भी बनाने का ख्याल है जिसमें जो भी हॉबीज़ होंगी स्टूडेंट्स की उन हॉबीज़ को और भी निखारने की कोशिश करेंगे हम जैसे मेहंदी लगाने की हॉबी है पॉटरी की हॉबी है मिट्टी से बर्तन तैयार करते हैं हम उसके अलावा पेपर मैशे एक हॉबी है जो बच्चे पेपर मैश करके डिफरेंट डिफरेंट डिफरें क्रिएटिविटी लगा कर डिफरेंट डिफरेंट डिफरें 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 चीज़ें बनाते हैं हमारा ये भी प्लान है कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे कंपटीशन कराएं जिसमें हैदराबाद की सारी यूनिवर्सिटीज़ कम्पीट करें उसके बाद हम उसको ओपन करें नेशनल के लिए नेशनल में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में उनसे कंपटीशन हो फिर इंटरनेशनल लेवल भी जाने का प्लान है और उसके बाद जो भी क्लब्स हैं हमारे पास ड्रामा क्लब लिटरेरी क्लब उनका एक मेजर इवेंट भी होना है जिसमें आ, साल के आखिर में उन्होंने जो चीज़ भी सीखा होगा उसको वो ऑडियंस के सामने पेश करेंगे एक बड़े से इवेंट के शक्ल में और फिर हमारा प्लान है कि हम वर्कशॉप करवाएं सारे क्लब्स के लिए अलग अलग जैसे लिटरेरी क्लब के लिए डिबेट कैसे किया जाता है तो एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को बुला के हम उनसे या लीडर को बुला के हम उनसे बात करें कि डिबेट को कैसे करना है इससे राइटिंग कैसे करना है क्रिएटिव राइटिंग कैसे करना है बैतबाजी कैसे करना है ये सारी चीज़ों का वर्कशॉप कराने का है उसके अलावा थिएटर का भी वर्कशॉप इंडस्ट्री से हम आर्टिस्ट को बुला के थिएटर के लिए वर्कशॉप कराएंगे फिल्म के लिए वर्कशॉप कराएंगे इससे एक इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन होगा और जो बच्चे इस इन uh, क्लब्स के ज़रिए अपने अपने पैशन को प्रोफेशन में तबली तब्दील करना चाहें उनको आसानी हो इंडस्ट्री से ऑलरेडी अगर पार्टिसिपेशन होगा लोग आएंगे तो उनको आसानी होगी कि उन वो उस पर कामयाब हो सकें इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करके अपनी ख़ुद एतमादी बढ़ाएँ और दुनिया को दिखा दें कि हमको कमज़ोर समझते हो बड़ी भूल है ये हम वहाँ तक हैं जहाँ तक ये ज़मीन जाती है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरा आ, सुनने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको आपका कोई सवाल हो आ, जिसको मैं आ, सवाल हो जिस आप जा जानना चाहते हो कोई चीज़ तो मैं ज़रूर आप लोगों को अपना जवाब देने की कोशिश करूँगा अभी इन अभी दो चार दिन में हम क्लब्स के मेंबरशिप का फॉर्म यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तो मैं आप लोगों से गुजार, गुजारिश करता हूँ कि आप आ, अपने क्लब का इंतखब करके ज़रूर फॉर्म भरें उसके बाद यहाँ जब आप यूनिवर्सिटी आएंगे या ऑनलाइन हम इंटरव्यू करके आपको फॉर्मल फॉर्मली क्लब का मेंबरशिप दे देंगे लेकिन जब यूनिवर्सिटी आएंगे तो फिर हम सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी बनाएंगे और एक तरीके से एक फॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा क्लब का अगर आप लोगों का स्पोर्ट्स के लिए भी क्लब है यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स पर भी खासा ध्यान दिया जाता है और स्पोर्ट्स का भी क्लब है क्रिकेट क्लब है फुटबॉल है बैडमिंटन है वॉलीबॉल है हमारे पास स्पोर्ट्स का स्पोर्ट इंडोर स्टेडियम भी है आउटडोर भी है उसके बारे में एक डायरेक्टर स्पोर्ट्स आपको जरूर बताएंगे उनका भी एक सेशन है यहाँ पे एनसीसी भी है यूनिवर्सिटी में एनएसएस भी है इसका भी एक अलग सेशन है आज जो प्रोफेसर फरियाद साहब आपको एनएसएस के बारे में बताएंगे एनसीसी का सेशन कल होगा साढ़े चार बजे एनएसएस के बारे में फरियाद सर आपको बताएंगे और कोई सवाल हो हाँ बच्चा उमर फारूक उमर फारूक पियानो बजाते हैं हम आप हम जरूर आप चाहेंगे उमर फारूक की आप यूनिवर्सिटी में आए तो हमें एक प्रोग्राम आपका रखेंगे और बाकी बच्चों को भी पियानो आपसे सीखने का मौका मिलेगा और हम आपको एक फॉर्मल वर्कशॉप भी कराएंगे ताकि आप और अच्छे से पियानो बजाना सीख लें फ़ाइन आर्ट्स के बच्चों की हमारे पास काफ़ी कमी है क्योंकि फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट फ़िलहाल नहीं है तो फाइन आर्ट्स के अगर बच्चे आएंगे तो वो सारे क्लब्स को हेल्प कर सकते हैं उनका पोस्टर बनाने में सेट बनाने में इरशाद साहब को गिटार पसंद है बिल्कुल इरशाद साहब मुझे भी गिटार का शौक है और मैं ऑनलाइन सीख भी रहा हूँ आपसे भी मैं कुछ गिटार ज़रूर सीखूंगा अगर और कोई सवाल नहीं है तो मुझे इजाज़त दीजिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अब मुश्ताक सर और मैम प्रोवोस्ट मैम आप लोगों का सेशन लेंगी हॉस्टल्स के बारे में बताएंगी मानूम है कितने हॉस्टल्स हैं और क्या क्या सहूलत है यहाँ पर शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया महराज साहब आपका सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मोटिवेटिंग था और देखा जाए तो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और आप लोगों के तो के लिए तो अहम हिस्सा होना ही वाला है क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों के बाद जो है यूनिवर्सिटी में वापस आएंगे तो आप इन एक्टिविटीज़ में जितना पार्टिसिपेट करें उतना कम है और नई नई चीज़ों को सीखें और हमारी यूनिवर्सिटी को भी फायदा हो इससे आपको भी फायदा हो इसी के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आ, हम लोग चलते हैं हॉस्टल्स की तरफ और हॉस्टल जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का या कॉलेज़ का एक अहम हिस्सा होते हैं अहम पहलू भी होते हैं और कई स्टूडेंट्स पहली बार हॉस्टल आते हैं और एक नई ज़िंदगी देखते हैं तो आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े हॉस्टल में आने के लिए और प्रोसेस को समझने के लिए एडमिशनस के लिए और हॉस्टल की लाइफ से रूबरू होने के लिए तो हमने प्रोस्ट गर्ल्स और प्रोस्ट बॉयज़ प्रोफेसर पटेल साहब और डॉक्टर विकाराननसा मैम हमने गुजारिश की थी कि वो एक एक लेक्चर यहाँ पे प्रेजेंट करें तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं मुश्ताक पटेल साहब का और डॉक्टर विकाराननसा मैम का कि वो यहाँ आए तो अब मैं गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर मुश्ताक पटेल साहब का जो कि प्रोस्ट हैं बॉयज़ हॉस्टल के कि वो आए और अपना लेक्चर पेश करें असलकुम आदाब मेरे कलीग प्रोवोस्ट डॉक्टर विकारुलिसा डॉक्टर जमील अहमद डॉक्टर महराज डॉक्टर कह कशन लतीफ़ डॉक्टर करणैद साहब और अज़ीज़ तलबा तालिबात इस बार इस तरह की नोयीत का पहला प्रोग्राम है जब अपने स्टूडेंट्स से मैं रूबरू हो रहा हूँ एज ए डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी मैं अपने नए तलबा के सामने पेश होता रहा हूँ आज हमें मौका है कि ऑनलाइन तौर पर हम एक साथ जुड़ें जरूरत के टॉपिक्स को डी एस डब्ल्यू ऑफिस ने आइडेंटिफाई करके अच्छे रिसोर्स पर्सनस को आपके सामने पेश किया है उनके पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं ज़्यादा तमीद ना बांधते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलता हूं पीपीटी पी पर जाना होगा ओके इसको शेयर कैसे आप हो गया बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे कॉमन होंगे जिसमें मैडम भी कुछ कहना कहना चाह रही होंगी आ, uh, दूसरा जो है इसीलिए इस टॉपिक में मैंने दोनों प्रोस्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स को यहाँ पे जोड़ा हुआ है दीक्षा राम रम देखिए सबसे पहले तो ये यूनिवर्सिटी ये रेसिडेंशियल टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर सभी तलबा को एडमिशन होता है अलबतः कोशिश ये की जाती है कि नॉन लोकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको अकोमोडेशन फ़राम किया जाए हॉस्टल का में जो अभी एडमिशन होता है या जो सारी चीज़ें होती हैं हॉस्टल की और वहाँ पे एक हॉस्टल मैनुअल रखी गई है वेबसाइट पर उसके तहत सारे काम अंजाम दिए जाते हैं हमारा मकसद ये होता है कि सभी को अपॉर्चुनिटी मिले सभी की डाइवर्सिटी के रेस्पेक्ट की जाए क्योंकि आप मुख्तलिफ़ मकाम से मुख्तलिफ रीजन से आते हैं आप हर एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट करें और जो लोग इस तरह के नेशनल यूनिवर्सिटी में पहली बार आ रहे हैं या मार्जिनलाइज्ड हैं उनको मेन स्ट्रीम करना भी हमारा ये एक मकसद होता है हॉस्टल में लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप तमाम तलबा जो है स्टूडेंट चार्टर को अच्छी तरह से फॉलो करें हॉस्टल हमारे यहाँ पर जैसे कि मैं अब आपसे मुखातिब हूँ तो दोनों हॉस्टल्स की बात कर रहा हूँ दो तरह के बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल हमारे पास मौजूद हैं बॉयज़ हॉस्टल में चार बॉयज़ हॉस्टल मौजूद हैं पहले बॉयज़ हॉस्टल को प्रेमचंद हॉस्टल कहा जाता है दूसरे को सर सैद अहमद ख़ान के नाम से मौसम किया गया है तीसरा हॉस्टल जो है शिबली नाम के नाम से जाना जाता है चौथा हॉस्टल जो है मोहम्मद अली जौहर के नाम से मौजूद है इसी तरह गर्ल्स के दो हॉस्टल में एक क़ुरत हैदर का हॉस्टल है के नाम से है और दूसरा जो है गुलजार हॉस्टल के नाम से मौसम है यहाँ पे अगर देखें तो किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है आपको इन तमाम लोगों से सबका पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इस हर में प्रोवोस्ट होते हैं प्रोवोस्ट के बाद सीनियर वार्डन्स होते हैं हर हॉस्टल में वा, सीनियर वार्डन्स का साथ देने के लिए वार्डन्स रहते हैं जो मेस और रिक्रिएशन हेल्थ और सैनिटाइजेशन के मुख्तलफ पहलू को देखते हैं और उनका सपोर्ट करने के लिए केयर टेकर्स हर हॉस्टल में मौजूद होते हैं आप कौन अप्लाई कर सकता है ये आपके जहन में होगा जो भी हमारी यूनिवर्सिटी में दाखला लेता है या यहाँ का स्टूडेंट बनता है वो एप्लीकेशन का अहल होगा अलबत् चंद लोग इसके अहल नहीं हैं जैसे आप कहीं एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं कहीं से डेपूटेशन पे आए हुए हैं या आप स्कॉलर हैं रिसर्च स्कॉलर्स और एच आपको मिल रहा है तो आप इसके अप्लाई करने के ना अहल होंगे अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम से निकाला गया है या आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो भी ना हल रहेंगे कैसे अप्लाई करना है इसको अप्लाई करने के लिए आप यूनिवर्सिटी में की वेबसाइट पर एक गूगल फॉर्म रखा जाएगा जिसमें आप अपना एप्लीकेशन दाखिल करेंगे एक सेंट्रलाइज हॉस्टल अलाटमेंट सीट अलाटमेंट कमिटी मौजूद है यूनिवर्सिटी में जिसको डी एस डब्ल्यू चेयर करते हैं और इसमें प्रोवोस्ट और सीनियर वार्डन्स उसके मेंबर्स हैं ये कमेटी आपका गूगल फॉर्म का मैं आपने जो डेटा दिया है उसको साइंटिफिकली एनालाइज करती है और जितने सीट्स मौजूद हैं उनमें टॉप मेरिट के स्टूडेंट्स को रखने की कोशिश करती है उसका जो क्राइटेरिया बना हुआ है साइंटिफिक अंदाज में बनाया गया है और उसी के बेसिस पर एडमिशंस होते हैं बात यह है कि अगर आपका ईयर का खत्म अख्तितम पर पहुंचते हैं तो आप जो है हॉस्टल को वेकेट भी कर, विकेट करेंगे एंड में और अगले साल जब आएंगे आप तो अपना हॉस्टल का एडमिशन रिन्यू हो जाएगा फिर उसके बाद हॉस्टल की ज़िंदगी कैसी हो देखिए हॉस्टल की ज़िंदगी घर की ज़िंदगी से मुख्तलिफ होती है यहाँ पर पेरेंट्स नहीं होते हैं हम तमाम ही आपके पेरेंट्स के तौर पर यहाँ पर मौजूद होते हैं आप एक हरकियाती ज़िंदगी यहाँ पर बिताएंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स हैं गेम्स हैं अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था पियानो बजाता है कोई गिटार बजाता है इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ करने की गुंजाइश इसके अंदर आपको मौजूद है आप चूंकि एक्सेल करना चाहते हैं स्पोर्ट्स में दूसरे से अपनी कंपटीशन रख सकते हैं कंपटीशन के मौके मौजूद हैं और एकेडमिक डिस्कशन अपने मज़मून से मुताबिक कोर्स से मुताबिक अपने साथियों के साथ बैठकर आप डिस्कस कर सकते हैं और कल्चरल एक्टिविटीज़ आप फिल्मी सॉन्ग्स करते होंगे आप मुशायरा करते होंगे आप डांस परफॉर्म करते होंगे ये सारे चीज़ों की गुंजाइश इसके अंदर मौजूद है यानी एक वाइब्रेंट या हरकियाती लाइफ आपको यहाँ पर मिलेगी लेकिन इसमें आपको ये सोचना होगा कि आप दूसरों की डाइवर्सिटी का एहतियात बरतें आप किसी भी रीजन से हों कश्मीर से हों या केरला से हों गुजरात से हों या महाराष्ट्र से हों दूसरों का ख्याल रखना होगा हर एक की ज़ुबान मुख्तलिफ है और जो है बोलने का अंदाज़ मुख्तलिफ है उनका ख्याल रखना होगा दूसरों के खाने का ख्याल रखना होगा दूसरों के तहजीब का ख्याल रखना होगा दूसरों के मजाब का ख्याल रखना होगा एक नेशनल यूनिवर्सिटी है तो हॉस्टल की लाइफ में इन तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखना ज़रूरी है और चूँकि हम मुख्तलफ जगहों से आते हैं तो हमारे खाने पीने रहने ओढ़ने वो, बिछोने हर चीज़ की आ, आ, हर चीज़ मुख्तलिफ होती है इसी तरह से खाना चूँकि मुख्तलिफ होता है तो कोशिश यह की जाती है कि मुख्तलिफ खानों का अहतमाम हॉस्टल के मेनू में रखा जाए तो दूसरों के खानों का भी इंजॉयमेंट आप करें आपके लिए भी बेहतर है दूसरों के लिए भी बेहतर है यूनीसिटी के अंदर वाईफाई एनेबल्ड कैम्पस है आप जहाँ पर भी जाओगे आपको एक यूज़र आई और पासवर्ड दिया जाएगा और आप कनेक्ट हो सकते हो अपने मोबाइल के जरिए या कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए ड्रिंकिंग वाटर आपको वाफिर मकदार में मिल जाएगा लेकिन उसका एहतियात से इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेचुरल रिसोर्स ऐसे हैं जो ख़त्म हो जाते हैं तो उसका एहतमाम करना ज़रूरी है और बेहतर इस्तेमाल उसका जरूरी है कैंपस हमारा कैंपस रैगिंग फ्री जोन है न सीनियर जूनियर को रैगिंग करें न जूनियर सीनियर बनकर आगे आने वाले बैचेस को रैगिंग करें यू के तहत हमें इसका प्लेज भी लेना होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सीनियर साहब के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और आप अपने जूनियर्स के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए प्यारों, और मोहब्बत और शफक्त की ज़ुबान सीखेंगे दूसरा दूसरों की प्राइव दूसरों के राइट्स या दूसरों के हकूक़ को आप, आप अपने जहन में ज़रूर रखें दूसरों की प्राइवेसी अगर कोई कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ जाकर गाना शोर मचाना उसकी प्राइवेसी का में इंटेलिजेंस होगा जिस तरह से नमाज पढ़ते वक्त आप जाके दूसरे को हटाते नहीं मसल्ले से जब तक कि उसकी नमाज मुकम्मल ना हो जाए इसी तरह से पढ़ाई का मामला है दूसरों की रेस्पेक्ट करनी ज़रूरी है दूसरों की ज़िंदगी भी उतनी ही अहम है जितनी आपकी ज़िंदगी है इसीलिए वार्डन जो है मंथली ओपन डे ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वार्डन सीनियर वार्डन आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आप वहाँ पर बात कर सकते हैं देखिए यहाँ पे इस स्लाइड में हमने दिखाया है कि बच्चे जो है मेस्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं बैठ के खा रहे हैं कोई कश्मीर से है कोई कहीं बिहार या उत्तर प्रदेश से है तो यानी मुख्तलिफ़ डाइवर्सिटी है ऊपर के पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चे जो है बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं रीडिंग रूम्स अवेलेबल हैं इसी तरह से कॉमन रूम अवेलेबल है जहाँ पर टेलीविज़न वगैरह रखी गई है इंडोर गेम्स खेलने के लिए आपको बैडमिंटन खेलने की आ, मौके हैं कैरम बोर्ड खेल सकते हैं मुख्तलिफ गेम्स खेल सकते हैं आप आ, साल के एंड में जो है आप हमारे यहाँ से एक हॉस्टल से एक मैगज़ीन निकलती है तो जिसका नाम उमंग है उमंग में आप उर्दू हिंदी इंग्लिश में मजामिन अपने छपा सकते हैं उसके एडिटर भी आप होंगे उसके सब एडिटर भी आप ही होंगे तो मल्टी लैंग्वेज मैगजीन है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अलावा हॉस्टल डिनर का अहतमाम किया जाता है सालाना और चूंकि हमारे पास जिस तरह से मैंने बताया चार बॉयज़ और दो गर्ल्स हॉस्टल हैं यानी एक हॉस्टल का दूसरे हॉस्टल के साथ कंपटीशन का भी मौका है तो स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में इंटर हॉस्टल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ होती हैं लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की ये बात है कि आप जब हॉस्टल में रहते हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि शराब नार्कोटिक्स गांजा इस तरह की चीज़ें जो नशावर चीज़ें हैं ये कैंपस में इसकी सख्त ममानियात है न यू परमिट करती है यू, यूनिवर्सिटी के अंदर इसको टॉलरेट किया जाता है तो न आप इसकी तरफ बढ़ें ना दूसरों को बढ़ने दें पब्लिक प्लेस है पब्लिक प्लेसेस में ये कहा गया है जैसे क्लासरूम है आपका हॉस्टल है लाइब्रेरी है लेबोरेटरी है मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस होते हैं कैंपस के अंदर जहां स्मोकिंग या सिगरेट नोशी भी परमिटेड नहीं है ये सारी चीज़ें जो हैं यूजीसी की गाइडलाइंस में मौजूद हैं अगर आप चाहते हैं तो उसको देख लें यूजीसी की डायरेक्शंस के मुताबिक जो है एंटी रैगिंग को आप के को मानना आपके लिए बहुत अशद ज़रूरी है इसी तरह से गर्ल्स स्टूडेंट्स का ख़्याल रखना कैंपस में एक अहम हमारे यूनिवर्सिटी का मकसद भी है सेक्सुअल हरासमेंट यहाँ पर टॉलरेट नहीं किया जाता कैसे रहें चूँकि हॉस्टल लाइफ के बारे में मैं बता रहा हूँ तो आपका एंट्री जो होगा सही टाइम पे होगा जब भी आप यूनिवर्सिटी हॉस्टल में आएंगे, तो एक मखसूस टाइम जो आपको दिया जाएगा उस पर आएंगे। इधर उधर के गेस्ट या मेहमानों को नहीं लाएंगे। दूसरों अपना खुद का खाना बना कर नहीं खाएंगे जब भी आप बाहर निकलेंगे तो ड्रेस ऐसा हो कि बाहर प्रेजेंटेबल हो मॉडस्ट ड्रेसिंग होनी चाहिए आप ऐसा नहीं कि रूम के अंदर जो कपड़े पहनकर बैठते हैं बाहर निकल के खेलने आए या दूसरों को मिलने आए फिर इसी तरह से अगर आपको शुभ होता है कि सर्दी खांसी या किसी तरह की बीमारी आपको का एहसास होता है तो फ़ौर ट्रीटमेंट के लिए चले जाएँ हमारे अंदर हेल्थ सेंटर यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर भी मौजूद है जिसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा क्लिनलीनेस का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आप अपने आप को अपने आ, अपने टेबल और चेयर को अपने कमरे को अपने एरिया को क्लीन रख के अगर कोई आपको दिक्कत महसूस होती है तो हमारे वार्डन्स आपको मौजूद रहेंगे तो आप अपने वार्डन्स को अप्रोच कर सकते हैं मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको नेचुरल रिसोर्स का ख्याल रखना है यानी पानी का इस्तेमाल या बरकी रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बहुत कम और सही अंदाज़ में करना ज़रूरी है और जहाँ पर आप रह रहे हैं हॉस्टल उसका मेस ये सारी चीज़ें आपके ही शेयर से चलती हैं तो आप अगर नहीं पे करोगे तो दूसरों का खाना रुक जाएगा इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप हॉस्टल का हिस्सा बने तो वहाँ जो रिक्वायर्ड है पेमेंट उसको ज़रूर करें और कॉमन एरियाज़ जो भी हों वहाँ पर उन चीज़ों का ख्याल रखें जैसे आपका डाइनिंग टेबल डाइनिंग टेबल है जहाँ पर आप बैठ के खाते हो तो उसको उसका ख्याल रखने की भी जिम्मेदारी आपकी होती है प्ले है उसका ख्याल रखने की भी जिम्मेदारी आपकी होगी फिर जो है हॉस्टल दो वक्त अवकाद में क्लोज होता है एक समर वेकेशन में और दूसरा विंटर वेकेशन में जब भी हॉस्टल बंद हो जाए तो अपने सामान को एहतियात के साथ आप लेकर अपने साथ चले जाएं टेक ऑल बिलोंगिंग्स वाइल वेकेटिंग इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऑफ़ द हॉस्टल एंड हॉस्टल की फ़ीस आपको ऑनलाइन पे करना होगा हमारा जो अभी रिओपनिंग में हमने सर्कुलर इशू किया है उसके अंदर लिखा है कि बच्चों को हॉस्टल फी ऑनलाइन पे करना है आई यू के जरिए और जो मेस की फीस होगी वो चनन के ज़रिए सबमिट होगी और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अंडरटेकिंग्स देने हैं हॉस्टल से मत हॉस्टल से जुड़े हुए वो सारी चीज़ें आप देंगे मेस मैं, मैं का एक रजिस्टर होता है जिसमें आप कब खाना खाते हैं आ, वो सारे रिकॉर्ड उसके अंदर होते हैं उसको मेंटेन करना जरूरी है और अपना खाना आप स्पेसिफाइड प्लेस पे खाएं जैसे मैं कह रहा था डाइनिंग हॉल खाने के लिए होता है प्रेयर हॉल नमाज के लिए होता है तो डाइनिंग हॉल में हॉल में बैठ के खाएं न कि अपने कमरों में तो स्पेसिफाइड पीरियड प्लेस में खाना ज़रूरी है ना आपका बर्ताव जो है दूसरों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए दूसरे कौन हैं आपके स्टूडेंट्स जो साथी हैं वो हैं आपके इस जो आपके साथ हॉस्टल में या हॉस्टल से बाहर जुड़े हुए हैं आपके यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स जो आपके साथ जुड़े हुए हैं सबके साथ बर्ताव अच्छा होना चाहिए और तमाम तरह के एनुअल फंक्शंस हो या कल्चरल प्रोग्राम्स हो उसमें आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि पढ़ना और आगे बढ़ना यही मकसद आपका ज़िंदगी में होना चाहिए फॉलो अगर आपके पास कोई साइकिल uh, या बाइक हो तो ख्याल इस बात का रखें कि पार्किंग सही जगह पे हो और अपने गाड़ियों की आवाज़ शोर से दूसरे परेशान ना हों और उसकी स्पीड जो यूनिवर्सिटी में परमिटेड है उसी सतह पर उसको चलाएं ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो जब भी ज़रूरत हो आप सबसे पहले हेल्थ सेंटर का को रुजू करें हेल्थ से रिलेटेड जो भी आस्पेक्ट हैं आपके चा, चाहे वो आप जिस्मानी तौर पर बीमारी हो या जहनी तौर पर दोनों तरह के सहूलियात हमारे यहाँ मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करें अगर आप इनमें से डिसिप्लिनरी कुछ गलतियां करते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की गुंजाइश भी इसके अंदर मौजूद है फिर चूंकि कोविड का ज़माना चल रहा है हम रीओपनिंग कर रहे हैं इसलिए हमने कुछ स्पेशल प्रोविजन इस बार रखे हुए हैं कोविड से रिलेटेड आपको जैसे आपने एक वैक्सीन लिया है जब आप ज्वाइन करेंगे उसका अंडरटेकिंग देना देना ज़रूरी है जैसे अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मेरा इलाज जब तक इंश्योरेंस न आए तो कौन करेगा इसकी ज़िम्मेदारी कौन ले रहा है इसकी अंडरटेकिंग देनी चाहिए और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फॉर्मेलिटी है और वेबसाइट पे रखी हुई है। हैं ये चीज़ें आपको फिलअप करनी ज़रूरी हैं फॉलो सेफ्टी मेजर्स प्रोटोकॉल्स कोविड के जो भी हैं जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग है फेस मास्क लगाना ज़रूरी है हैंड सैनिटाइजर का थोड़ी थोड़ी देर में इस्तेमाल ज़रूरी है और हेल्थ सेंटर को मैंने ज, जैसे कहा के जाना जब भी आपको कुछ लगे कि कुछ मसला है तो मेडिकल ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी कौन लेता है अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पेरेंट्स लेंगे या गार्डियंस लेंगे इसको भी अंडरटेकिंग देना ज़रूरी है जब आप यूनिवर्सिटी बाहर से आओगे तो तीन दिन का क्वारंटाइन होगा जो इनको जिनके लिए हॉस्टल ना अलॉटेड है वो आके पहले तीन दिन का एक जगह पर क्वारंटाइन रहेंगे फिर उनको जहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा वहाँ पर जाएंगे इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप जब तक यूनिवर्सिटी के अंदर रहें जब तक कोविड के असर मौजूद हों तो ऐसे मकामा पर न जाएं जहाँ जिनको हमने कंटेनमेंट जो जोन डिक्लेयर किया है ताकि आपकी ही भी हिफाजत हो आपसे जुड़े हुए अपने साथियों दोस्तों और, और ये पूरे कैंपस की हिफाजत हो क्योंकि ये कोविड की बीमारी इस तरह से है जैसे एक तिली जल तिली जलती है माचिस की तो पूरी डब्बी जल जाती है तो बहुत रिस्की डिसीज़ है इसलिए आप अपना ख्याल रखें वही उसी लिहाज से आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं और आपके आपको कुछ भी तकलीफ़ हो निकलने से पहले या आने तक तो अपने पेरेंट्स और गार्डियंस को ज़रूर बताएं कि हेल्थ के इश्यूज सारे कवर करके आ पाएँ ये कैंपस मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन कैंपस है आप लोगों को मेरे दूसरे स्पीकर्स ने बताया होगा कितने एकड़ पे फैला हुआ है कि, कितने किस्म के यहाँ पे दरख्त जानदार और परिंदे यहाँ पे मौजूद हैं ये एक बहुत खूब और बेहतरीन कैंपस है जिसको आप एंजॉय करेंगे हैदराबाद जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में ग्रीन कैंपस जहाँ देखने को नहीं मिलता है ये कैंपस आप ज़रूर इंजॉय करेंगे मैं चाहता हूँ कि इस कैंपस में रहने वाले तमाम जानदार अपनी अपनी जगह पे नेचुरल सेटिंग में एंजॉय करें और आप अपने डाइनिंग हॉल में बैठ के एंजॉयमेंट के साथ खाना खाएं न कि रिवर्स हो समझ रहे हैं आप बाहर जाके खाएं और आपके एनिमल्स डाइनिंग हॉल में आएँ बस इतना कहते हुए मैं रुखसत चाहता हूँ क्योंकि मेरे कलीग वेट कर रहे हैं यू आर मोस्ट वेलकम टू मानू Which is a central university. Thank you. Thank you, sir. प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं डॉक्टर विकारुनिसा मैम से गुजारिश करता हूं जो कि प्रोवोस्ट गर्ल्स हॉस्टल हैं कि वे आए अजीज तलबा व तलबात प्रोफेसर मुश्ताक पटेल साहब डॉक्टर केकेश डॉक्टर जमील डॉक्टर करण सिंह और यहाँ पर मौजूद सभी इस माईडियर कोलिक्स एंड अजीज़ तलबा व वालबा असल सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इस दिक्षारम प्रोग्राम के ज़रिए आपका इस्तेबाल करती हूँ आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने का मौक़ा मिला यहाँ के आप तलबिन बनने जा रहे हैं इसके लिए आप सबको बहुत मुबारक हो और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पर हमारा असल मकसद जो है तालीम हासिल करना है तालीम हासिल करना तो तालीम क्या है क्या तो अगर हम जनरल आम तौर पर समझेंगे तो जो तो है ये एक हम जहत शख्सियत की नशोनुमा है एजुकेशन इज़ ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी यानी किसी भी शख्स की पर्सनालिटी को आप डेवलप करते हैं तो उसी को जो है तालीम कहा जाता है तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी जो है यानि हवा जहद शख्सियत की नशो जो है इसके लिए बहुत सारी फैक्टर्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें से एक फैक्टर मेरी नज़र में है और ये वाकई भी है कि आपका हॉस्टल लाइफ है यह जो हॉस्टल है आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डेवलपमेंट में आपके सेल्फ़ डेवलपमेंट में आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें जैसे लर्निंग में आप कुछ चीज़ें डायरेक्टली सीखते हैं और कुछ इनडायरेक्टली आप सीखते हैं लर्निंग जो है फॉर्मल वे में और इनफॉर्मल वे में होता है तो आप जो है हॉस्टल एक ऐसा आपको जरिया है जहाँ पर आप इनफॉर्मली बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं एंड इनफैक्ट ये आपकी शख्सियत को ग्रो करने में आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो मैं पहले सबसे पहरे, मैं तो मुश्ताक सर ने आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है बता दी हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड किस तरह से आपको रहना है क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फ़ॉलो करना है लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि ख़ास तौर पर खसूस तौर पर गर्ल्स हॉस्टल के बारे में आप लोगों को बताऊँगी जैसा कि आप लोगों ने देखा हॉस्टल्स के बारे में चार हमारे पास बॉयज हॉस्टल है और दो गर्ल्स हॉस्टल है एक ओल्ड हॉस्टल के नाम से जाना जाता था लेकिन इसको जो है अब हरतुल्हीन हॉस्टल का नाम दिया गया है इसमें कुछ रूम्स टू सीटर हैं और कुछ रूम्स इसमें थ्री सीटर्स हैं टोटल सेवेंटी टू रूम्स हैं जिसकी कैपेसिटी टू है दो सौ कैपेसिटी है और दूसरा जो हॉस्टल है उसको गुलजार साहब के नाम से मौसम किया गया है गुलजार गर्ल्स हॉस्टल जो तीन सीटर है इसकी कैपेसिटी 151 रूम्स रूम से है और 453 स्टूडेंट्स हम इसको इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं तो यहाँ पर जहाँ तक कोशिश की जाती है कि लड़कियों को जो है हॉस्टल दिया जाए क्योंकि दूर दराज से मकामा लड़कियाँ आती हैं और इनके लिए यहाँ पर रहना बाहर फाइनेंशियली भी बहुत बर्डन होता है और सिक्योरिटी को भी लेकर हम कोशिश करते हैं कि तमाम गर्ल्स को जहाँ तक हो सके हॉस्टल प्रोवाइड किया जाए और जैसे हाईडर्की के बारे में आपने देखा यहाँ भी सेम आपको जो है प्रोवोस्ट हैं फिर सीनियर वार्डन हैं और वार्डनस हैं केयरटेकर्स हैं और उसके बाद में स्टाफ है जो आपकी ख़िदमत में लगा हुआ रहता है हाउस कीपिंग इस्टाफ़ है ये सारे लोग जो है आपको सर्व करने के इसमें हैं तो इसमें जो है एक सीनियरिटी आपको भी फॉलो करनी होती है अगर आपको भी कोई हॉस्टल में इशू हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है डायरेक्ट किस तरह से जो है हाईडरकी को लेते हुए जो है आप केयर को पहले रजू करें फिर वार्डन से आप अपना कंप्लेंट लेकर जाएं रेस्पेक्टिव वार्डन्स के आपके कौन से हॉस्टल के कौन से वार्डन हैं उसके बाद वहाँ आपका सॉल्व नहीं हो रहा तो आप सीनियर वार्डन्स के पास जाएं और फिर अपने प्रोवोस्ट तक आप लोग जो है उसको सॉल्व न होने ना होने की कोशिश सूरत में आप लेकर जा सकते हैं तो ये हमारा गर्ल्स स्टाफ का स्ट्रक्चर है जो आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप लोग जो है अच्छी तरह से मतलब वाकिफ़ हो जाएंगे कि आपके वार्डन कौन कौन हैं मिस वार्डन कौन है प्रोवोस्ट कौन है ये सारी चीज़ें हैं और सीट uh, अलॉटमेंट के लिए जैसे हॉस्टल सीट अलाटमेंट कमेटी बनी गई है ये एक हाई लेवल कमेटी है जिसमें डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर चेयर पर्सन है और तमाम वार्डन्स uh, और प्रोवोस्ट मेंबर्स हैं इसमें जो है ये डिसाइड किया गया कि किस तरह से आपका क्राइटेरिया बनाया गया कि आपको हॉस्टल अलॉटमेंट किस क्राइटेरिया पर देना है इसमें आपको थ्री पॉइंट्स कंसिडर किए गए हैं एक आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है और आपका कोर्स रिलेटेड है कि आपको इस कोर्स के हैं और आपका जो um, आपका बी पी एल क्राइटेरिया भी इसमें शामिल किया गया है यह आप अप्लाई करने के बाद हम इसको स्क्रूटनाइज करेंगे क्राइटेरियाज को लेते हुए गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटीज के बारे में जब बात करें तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही हाइजेनिक अंदाज में वेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर केयरटेकर्स और हमारे सभी मेस वर्कर्स देखते हैं कि किस तरह से आपको हाइजीनिक तरीके से अच्छी तरह से अच्छा न्यूट्रिशियस फूड हम प्रोवाइड कर सके हमारे स्टूडेंट्स को और आपको कॉमन रूम की फैसिलिटी है जहाँ पर आप बैठकर सब आज, टाइम स्पेंड कर सकते हैं डिस्कशंस कर सकते हैं कुछ एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं और उसके अलावा आपको जो है रीडिंग रूम्स की हमारे पास हर फ्लोर पर रीडिंग रूम्स की सहूलत है हर फ्लोर पे हमने जो है एक स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जो है लाइब्रेरी की तरह रीडिंग रूम्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं और वहाँ पर बुक्स भी लाइब्रेरी में उतनी ज़्यादा बुक्स नहीं हैं लेकिन जो भी हमारे पास अवेलेबल थी उसको हमने वहाँ पर मुहैया करने की कोशिश की है और इंडोर गेम्स भी हमारे पास अवेलेबल है जिसमें कैरम चेस टेबल टेनिस वगैरह है आप इससे इस्तः हासिल कर सकते हैं जिससे आप अपनी शख्सियत की नशोरुमा कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकते हैं जहाँ भी ज़्यादातर ऐशू स्टूडेंट्स होते हैं वो मेस के मैनेजमेंट में देखे जाते हैं कि मेस के रिलेटेड बहुत सारी स्टूडेंट्स को क्वेरीज होती हैं और इश्यूज होती हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारी स्टूडेंट्स को लेते हुए कमिटीज़ बनाई रखी हैं फूड एंड ऑडिट कमेटी आप ही में से जो है स्टूडेंट्स जो है फूड को ऑडिट करते हैं वो और मेस सेक्रेटरीज़ हैं ये उन ओवरऑल जो है वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे देखते हैं कि किस तरह से हमको मेनू वगैरह तमाम चीज़ों में इनका कॉन्ट्रीब्यूट यानी डेमोक्रेटिक अंदाज़ से हम में इसके चलाने में जो है स्टूडेंट्स की राय को भी शामिल करते हैं और फूड आइटम्स क्या परचेस करना है और मेनो क्या रहेगा इसमें सारी जो है स्टूडेंट्स की जो भी उनकी राय है इसमें हम शामिल करते हैं शामिल की जाती हैं और बिल जो है मेस का जो आपको मंथली है वो अराउंड टू थाउजेंड टू ट्वेंटी टू हंड्रेड आपको जो है होता है और रमज़ान के टाइमिंग्स में थोड़ा सा ये एक्सीड हो जाता है जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आप तफसील से जान सकेंगे हॉस्टल जैसे आपके करिकुलर एक्टिविटी लिटरेरी एक्टिविटी के लिए हॉस्टल मैगजीन का भी इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर आपको जो है अगर कोई बहुत अच्छी तरह आप लिखने में आपके पास सलाहियतें हैं तो आप इसमें उर्दू हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अपना आर्टिकल दे सकते हैं इसके अलावा स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ जो जिम्मेदारियाँ दी गई है हॉस्टल में जो मौजूद है ताकि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हो वो अपने आप को जो है उभार सके उनकी सलाहियतों के लिए तो उसमें हमने मुख्तलिफ पोस्ट क्रिएट किए हुए हैं जैसा रीडिंग रूम सेक्रेटरी जो रीडिंग रूम है उसका एक सेक्रेटरी हमने बनाया कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं अगर कोई इशू है तो आप जो है रीडिंग रूम सेक्रेटरी उसकी देखभाल करें फिर स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स का भी एक सेक्रेटरी स्टूडेंट्स में से हमने डिमोक्रेटिक तरीक़े से जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है इलेक्ट किया जाता है बाबा राय लेते हुए स्टूडेंट्स की और हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन के लिए सेक्रेटरी हम मुक्र करते हैं इसी तरह डिसिप्लिनरी सेक्रेटरी है मेस के सेक्रेटरीज से वग़ैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों में से ही लीडरशिप क्वालिटीज आप डेवलप करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं आप इसे हॉस्टल रूल्स जैसे कहीं भी आपको हॉस्टल में रहना है तो आप को मुख्तफ़ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है कि कैसे आपका रहना है आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए डिसप्लिन कैसा होना चाहिए तो यह हॉस्टल uh, मैनुअल आपको अवेलेबल है वेबसाइट पर आप उसमें देख सकते हैं पढ़ सकते हैं वन फिफ्टी पेजेस उसमें हैं तमाम इन डिटेल हैं आप हॉस्टल आने से पहले उसको एक बार मुताल करें कि क्या क्या रूल्स हैं आपको कैसे बिहेव करना है uh, कौन कौन सी चीज़ें डूज एंड डोंट्स आपको यहाँ पर क्लियरली मैंशन किए गए हैं इसके अलावा हमारे पास ग्रेवियंस मैकेज़म भी बहुत अच्छा है यूनिवर्सिटी का हॉस्टल मैनेजमेंट का एक ग्रेवियंस कमेटी बनाई जाती है अगर आपको हॉस्टल से रिलेटेड कोई क्वेरी कोई ग्रेवियंस हो तो आप यहाँ पर अप्रोच हो सकते हैं जिस कमेटी में आपके वार्डनस और प्रोवोस्ट नहीं होते ये दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग इसमें होते हैं यहाँ पर आप अपने ग्रेवियंस भी दाखिल कर सकते हैं और जैसे कि रूल्स में सबसे बहुत सारे रूल्स हैं जैसे सर ने भी आप लोगों को बताया कि लेकिन बेसिक रूल जो आपको फॉलो करना है कि किस तरह से आपको सीनियर्स का रेस्पेक्ट करना है और जूनियर्स से तो किस तरह से शफक्त से पेश आना है ये तो बेसिक रूल है या मॉरल वैल्यू है जो आपको जो है अपनी लाइफ में फॉलो करना है और खसूस तौर पर जो है हॉस्टल में फ़ॉलो करना है अगर आप हॉस्टल की लाइफ में एडजस्ट करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ती आपको खुद को टॉलरेट किस तरह से दूसरों को आपको टॉलरेट करना है दूसरों के कल्चर को और आपको टॉलरेट करना है एडॉप्ट करना है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंटेन करनी होगी इसके साथ साथ आपको हाइजीन को लेते हुए हेल्थ को लेते हुए सफाई को लेते हुए आपको जो है बहुत अलर्ट होना चाहिए कि आप किस तरह अपने आप को और अपने माहौल को आप क्लीन रख सकें और वाटर मैनेजमेंट का भी यहाँ पर एक पॉइंट है कि किस तरह से सर ने भी बताया कि हमको रिसोर्सेज को मैनेज करना है किस तरह से उसकी लिमिटेड यूज़ हमको करना है क्योंकि यहाँ पर हैदराबाद जैसे सिटी में काफ़ी मुश्किल होती है जो भी लोग होते हैं पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है लेकिन फिर भी यहाँ पर हम हॉस्टल में यूनिवर्सिटी कैसे कैसे, कैसे कोशिश करके मैनेज करके आपको जो है वाटर प्रोवाइड करती है तो जब समर के डेज होते हैं तो आपको जो है प्रॉब्लम होगी लेकिन लिमिटेड टाइम में आपको सप्लाई किया जाएगा तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से कोपरेट करना है और उसी के हिसाब से आपको अपना डेली रूटीन जो है चेंज करना होता है और उसको थोड़ा आपको एडजस्ट करना होगा इसके साथ फिर आपको कोविड गाइडलाइंस जैसे आज अभी के जो हालात हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए आपको कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उसको भी आपको पूरी तरह से फॉलो करना है ताकि आप ख़ुद अपना भी ख्याल रख सकें और हॉस्टल में जो मौजूद स्टाफ है जो सीनियर्स हैं आपसे जो सीनियर स्टाफ है वो सब जो है सेफ़ रह सके इसीलिए आपको जो है रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह आपको पेश आना है और गर्ल्स हॉस्टल से रिलेटेड गर्ल्स का एजुकेशन के लिए हमारा यूनिवर्सिटी में बहुत खसूसी तौर पर तोजह दी गई है यहाँ पर लड़कियों की तालीम के लिए खसूसी तौर पर उनको एडमिशन्स में फीस में कंसेशन दिया गया है एडमिशन के टाइम पे भी जो है कोटा रखा गया है लड़कियों के लिए और हॉस्टल के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि तमाम लड़कियों को हम एकोमोडेट करें अगर हमारी वैकेंसी अगर रही तो हम जो है कोशिश करेंगे कि सारे लड़कियाँ अकोमोडेट हो सकें ये आपके हॉस्टल्स के वेकेंसीज़ हैं रूम्स कितने हैं हमारे पास हॉस्टल जो है उसमें सेवेंटी टू रूम्स हैं और उसके अलावा टेन टॉर्मिटरीज है हमारे पास जिसमें हम टू ट्वेंटी स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर सकते हैं इसी तरह से गुलजार हॉस्टल हमारा जो है उसमें वन फिफ्टी वन रूम्स हैं जिसमें हम फोर थर्टी फाइव स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर सकते हैं ये हॉस्टल फ़ी है आपका जो आपका वेबसाइट पे भी दिया गया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि हॉस्टल फ़ी आपकी किस तरह से क्लासिफाई की गई है इस पर मैं यहाँ पर तफसील से यहाँ पे हाँ इसके अलावा जो हमें मिस करी वो आप लोगों को यहाँ पर जिम फैसिलिटीज लड़कियों के लिए बहुत ही आला तरीक़े से जो है मैनेज किया गया जिम आपके मौजूद है यहाँ पर आप मॉर्निंग और इवनिंग जो है अपना फिज़िकल फिटनेस ट्रेनिंग कर सकते हैं इसके अलावा हमारे कैंपस में वाईफाई की सहूलत है जो आप एजुकेशन के लिए फ्री वाईफाई का भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपकी तबीयत वग़ैरह ख़राब हो तो सिक रूम्स भी हमारे पास अवेलेबल है हर हॉस्टल में आप थोड़ा अलहदा होते हुए अपने आप को अगर कोई ऐसा डिजीज़ है जिसे दूसरों को फैल सकता है तो आप उसको अपने आप को थोड़ा अलग करके जो है आप उसमें सिक रूम अपना अवेल कर सकते हैं उसकी फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है फिर लड़कियों के लिए जो हॉस्टल की टाइमिंग्स हैं वो एट टू एट पी है मॉर्निंग एट से आप जो है आठ बजे तक आप हॉस्टल में आपको एंट्री करना होता है टाइम आपका रखा गया है हेल्थ सेंटर की फैसिलिटी के बारे में भी सर ने आपको बताया कि हेल्थ सेंटर हमारे पास मौजूद है हॉस्टल यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए लेडी डॉक्टर भी अवेलेबल है आप लेडी डॉक्टर और लेडी नर्सेस की सर्विस ले सकते हैं कोई भी ईश्यू हो तो आपको यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा आपको कुछ गुलजार हॉस्टल और खुरतुल हॉस्टल जो आप लोग आने वाले हैं फ्यूचर में इनशाला उसकी कुछ तस्वीर में आपको दिखाऊंगी कि ये आप देख रहे हैं फोटो में कि ये हमारे गुलजार हॉस्टल का एंट्रेंस है ये और ये खुरतुल फ़ुरतलैन हॉस्टल जिसे पहले ओल्ड हॉस्टल कहा जाता था ये दोनों हॉस्टल्स के जो है सिक्योरिटी रूम्स हैं गर्ल्स को लेते हुए हम काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर आप सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छी तरह बिल्डअप है आपको एंट्री कर कर रजिस्टर में टाइम डेट वगैरह डालकर आपको जाना होता है और आपको एंटर करके जो है अंदर आने का आना होता है तो ये आपको सिक्योरिटी रूम्स है तो लड़कियों की सिक्योरिटी का ख़ास इंतज़ाम किया गया है और इस पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है ये एंट्रेंस हॉल है आप जो देख रहे हैं गुलजार हॉस्टल का एंट्रेंस है और यह हॉस्टल का है एंट्रेंस है हम हमारा स्टाफ कोशिश करता है कि हम किस तरह से पूरी तरह से नीटनेस और इसको अच्छी तरह से मेंटेन करें आप देखिए बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको अच्छी तरह से रखें इसको स्पॉइल ना करें और अच्छा माहौल जो है आप इसमें क्रिएट करें ये गुलजार हॉस्टल का विजिटर्स रूम है और ये आप जो देख रहे हैं ये हॉस्टल है, में वेटिंग एरिया है जहाँ पर आप न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह मॉर्निंग के टाइम पे आप बैठ के यहाँ पर कर सकते हैं अपना ये हमारे केटर्स के ऑफिस है ओल्ड हॉस्टल में और गुलजार हॉस्टल में ये हमारा स्टाफ है जो अपना सिंसियरली जो है आपकी सर्विस में लगा हुआ होता है और गुलजार हॉस्टल में जो आप देख रहे हैं ये थ्री फ्लोर्स है गुलजार में और जिस और हर फ्लोर पे जो है टू विंग्स में डिवाइड कर दिया गया है और हर विंग में फिफ्टी रूम्स है ये एक लेफ्ट विंग है इसी तरह से राइट विंग है पचास पचास कमरे जो है एक एक रूम में आपके अवेलेबल है येतुलैन हॉस्टल यानी ओल्ड हॉस्टल जो है हमारा इसमें इस तरह से रूम्स हैं जहाँ पर एक रूम में दो स्कॉलर्स कॉलर्स को हम अकोमोडेट करते हैं यहाँ पर अलग से स्टडी टेबल दिया गया है उनको पढ़ने के लिए स्टडी करने के लिए और हॉस्टल में जो है थ्री बेडरूम यानी कैपेसिटी उसकी थ्री है एक रूम में थ्री हम शेयर करते हैं तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए और आप जब आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएगी और आप इसके उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो है कॉपरेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैनेजमेंट के साथ और आपसे कोई मिसबिहेवियर के कॉम्प्लेंस हम कम्प्लेंस नहीं सुनेंगे और ये आपका जो है डाइनिंग हॉल है हैत्या हैदर हॉस्टल का तो जो डाइनिंग हॉल है हमारा इसमें हमारी कैपेसिटी हमारे आप एट ए टाइम सिक्स हंड्रेड स्टूडेंट्स भी बैठकर हमारे एक साथ लंच कर सकते हैं डिनर कर सकते हैं और ये किचन रूम है जो आप देख रहे हैं हॉस्टल का हमारा किचन रूम है बहुत ही क्लीन और हाइजीनिक वे में जो है कुकिंग की जाती है आप लोगों के लिए ये रीडिंग रूम्स है दोनों हॉस्टल्स के रीडिंग रूम में आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए इंडिविजुअल रूम्स हमने टेबल और चेयर्स जो है लगाए हुए हैं आपको विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप यहाँ पर अपना स्टडी कर सकते हैं तो हर ची हर जगह कुछ कुछ आपको रूल्स है कि आपको अपना मोबाइल फ़ोन जैसे जिम में आप जा रहे हैं तो आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह अपना फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है तो यहाँ भी आपको जो है स्टडी के वक्त भी आप दूसरों का ख्याल रखें कि डिस्टर्ब ना करें ये तो तमाम जनरल रूल्स हैं इससे आप लोग वाकिफ हो जाएंगे ये हमारा जिम है जो आपके हॉस्टल में है यहाँ पर मॉर्निंग टू आवर्स और इवनिंग टू आवर्स आपको टाइम दिया जाता है आप फिज़िकल ट्रेनिंग कर सकते हैं अपना फ़िटनेस के लिए और यहाँ हमारे फ़िज़िकल एजुकेशन ट्रेनर भी हैं एक लेडी भी स्टाफ भी है वो भी आपको हेल्प करते हैं इसमें गाइड करेंगे आपकी ये इंडोर स्टेडियम है जो हमारे गुलजार हॉस्टल में मौजूद है यहाँ पर इंडोर गेम्स आपके लिए मौजूद है टेबल टेनिस कैरम चेस वग़ैरह और स्पेशल हमारा नमाज के लिए भी जो है रूम प्रोवाइड किया गया है आ, हर फ्लोर पे नमाज के लिए लड़कियों के लिए एक सेपरेट रूम प्रोवाइड किया गया है ये आर ओ प्लान्ट़ुद हॉस्टल में वाटर और ये हैंड वॉश एरिया है कॉमन वॉशरूम्स गुलजार गुलजान हॉस्टल में कॉमन वॉशरूम्स से गर्ल्स के लिए बाथरूम्स वगैरह के और ये वर्कर्स हैं हमारे जो गर्ल्स हॉस्टल में वर्कर्स है और फूड ट्रॉली जो इस्तेमाल की जाती है फूड एक जगह से हम ओल्ड हॉस्टल में ले जाने के लिए ये आपका आप देख रहे होंगे कि किस तरह से आपको हॉस्टल का नज़ारा कैसे खूबसूरत है जब बहुत ही बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर और बहुत ही नेचर आप इंजॉय करेंगे हॉस्टल में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हॉस्टल का आपको व्यू है जो गुलजार हॉस्टल का आपको नज़र आ रहा है ये इंडोर ग्राउंड्स है ये ये इंडोर ग्राउंड दोन ओल्ड हॉस्टल जो हमारा है हैदरत एंड हॉस्टल में इसमें काफ़ी बड़ा एरिया जो है आपको यहाँ पर फ्रीली क्लीन किया जाता है जिसमें शाम के टाइम पे लड़कियाँ अपना क्रिकेट बैडमिंटन हॉकी वगैरह यहाँ पर हम टेंट डालते हैं टेंट और हॉकी वगैरह हर गेम्स जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना खेल सकते हैं और इवनिंग टाइम में स्टूडेंट्स अपना टाइम बहुत अच्छी तरह स्पेंड करते हैं यहाँ पर यह़ुरतैन हॉस्टल का आपका टेरेस व्यू है अगर आप टॉप टौ, टौ, पे से देखेंगे तो कितना आपको हॉस्टल का व्यू आप देख सकते हैं ठीक है तो ये सारी मैंने आपको झलकियाँ बताई कि किस तरह से आप हॉस्टल के कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं और क्या क्या फैसिलिटी फैसिलिटीज हम लड़कियों को प्रोवाइड कर रहे हैं अब उसके साथ साथ आपको रूल्स एंड रेगुलेशन है और सबसे बड़ी बात आप जो जहन में रखना है कि लड़कियों की तालीम के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका यूनिवर्सिटी फराम कर रही है सेफ़्टी और सिक्योरिटी को रखते हुए तो अब लड़ जो अपने जो लड़कियाँ अला तालीम हासिल करना चाहती हैं जो अपने आप पूरा करना चाहती हैं अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करना चाहती हैं वो किस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकें आप पॉजिटिव वे में आप किस तरह से अपना हॉस्टल की फैसिलिटीज को यूटिलाइज करेंगे और कैसे अपने एम्स अचीव करेंगे आप वो आप पर भी डिपेंड करता है और आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है आपको हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे स्टाफ से या फिर किसी भी अथॉरिटी से जो है मिसबिहेव ना करेंगे एक डिकोरम आप मेंटेन करेंगे और इसी के साथ अगर कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं आई विश यू ऑल ऑल द बेस्ट और और एक बार मैं मुबारकबाद देती हूँ आप सबको आप लोग हॉस्टल फॉर्म भरिए अप्लाई करिए और आप लोग आइए इंशाल्लाह आप सबसे हमारी मुलाकात होगी ठीक है थैंक यू क्वेश्चन है क्या कुछ अच्छा हाँ एक सवाल आया था कि स्टूडेंट के लिए कोई यूनिफॉर्म है लेकिन मैनेजमेंट सिर्फ एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म है लेकिन दूसरे कोर्सेज के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं है मोस्टली गर्ल्स हमारे अपना एक आ, आ, सोबर मतलब एक मॉडस्ट ड्रेसिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छी एक आप जो है तहजीब के दायरे में रहते हुए ड्रेसिंग कोई भी कोड ऑफ़ ड्रेस आप जो है चूज़ कर सकते हैं ठीक है और कुछ सवाल हैं क्या आप लोगों के <coughs> हॉस्टल का ओपन होने की डेट्स वेबसाइट पे दी गई है 20 अक्टूबर से क्योंकि कोविड का पीरियड है तो हम फेज़ वाइज ओपन कर रहे हैं हॉस्टल सारे स्टूडेंट्स को एक साथ हम अकोमोडेट नहीं कर सकते इसलिए फेज़ वाइज उनको बुलाया जा रहा है सेकेंड फेज़ में जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पीजी के स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स को बुला रहे हैं और उसके बाद हम थर्ड फ़ेज़ में यू के स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और आप लोगों का जो अभी एडमिशन हुआ है नए स्टूडेंट्स को हम बाद में बुलाएंगे अभी आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग आपको जारी रहेगी जब आपके लिए नोटिफिकेशन आएगा तब आप देखते रहिए उसको अप्लाई करिए ठीक है।, है थैंक यू शुक्रिया विकार मैम एक सवाल और भी था कि हॉस्टल की लास्ट डेट कब है और फॉर्म कब तक आएंगे तो अभी अभी जिया साहब से बात पता चली कि हॉस्टल के फॉर्म जो है वो आ चुके हैं और शायद 12 अक्टूबर लास्ट डेट है तो आप अप्लाई करना शुरू कर दें अब देंट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर करण सिंह उतवल जो कि हिंदी विभाग के हेड हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वे आए सभी को मेरा आदाब ये जैसे आप देख रहे हैं कई रोज़ से चल रहा है हमारे पास दीक्षारम्भ कोर्स या दीक्षारम्भ इंडक्शन ये दीक्षारम्भ के तहत आप हर पहलू के बारे में जान रहे हैं और ये कुछ वर्षों से ही शुरू हुआ यूजीसी ने से शुरू किया है बहुत ही बेहतरीन है होता क्या था वरना कि हम हॉस्टल में रहते या बेस्काल रहते लेकिन बहुत सी चीज़ों के बारे में जान ही नहीं पाते हम कि हॉस्टल में क्या होता है या फिर स्पोर्ट्स में क्या होता है या अलग अलग जो पहलू है यूनिवर्सिटी के कैसे जाने उनको ये बड़ी दिक्कत होती थी और आजकल दीक्षारंभ के तहत और इसको जो चला रहे हैं समी साहब है या फिर हमारे ज़िया साहब है कैकशा मैडम है और जितने भी यहाँ बैठे विकार मैडम हैं तो सबका मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है जो छात्र यहाँ आते हैं उनको सब कुछ पता चल जाता है कि कहाँ कैसा रहना है कैसा करना है क्या करना है अब देखिए इतने विस्तार से बताया है जिसे प्रोफेसर मुश्ताक पटेल साहब ने आपको बताया कि कैसे रहना चाहिए कैसे रूम में रहना चाहिए कैसे बाहर रहना चाहिए कैसे पार्किंग करना चाहिए ये मैं समझता हूँ ये केवल हॉस्टल के लिए नहीं है हमारी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में भी ला सकते हैं उनको ताकि हम एक डिसिप्लिन में रहे अनुशासन में रहे और अनुशासन हमें सिखाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और इसके लिए जो विस्तृत रूप से बताया है मैं प्रोफेसर मुश्ताक पटेल साहब का और डॉक्टर विकार साहब मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ आने से पहले यहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैसे रहना चाहिए क्या क्या उनको सहूलियत है इस सब के बारे में जो बताया है मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शुक्रिया बेहद शुक्रिया करण सर तो जैसा कि हॉस्टल के बारे में करण सर ने भी आपसे जो बातें रखी और हॉस्टल जो है बहुत अहम हिस्सा है यूनिवर्सिटी के अब इसी के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में एक और सेशन जो अब होगा इसके बाद तो वो होगा एन और एन पे जिसके एन uh, के चेयर के चेयरपर्सन प्रोफेसर फ़रियाज़ साहब जिनका ताल्लुक़ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म से है तो थोड़ी ही देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे तो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं uh, निदा यास्मीन मैम से गुजारिश करता हूं जिनका ताल्लुक पॉलिटेक्निक से है पॉलिटेक्निक असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से हैं तो वो आएँ और फरियाज़ साहब का इंट्रोडक्शन पेश करें अज़ीज़ तलबा व तलबात और यहाँ मौजूद कहकशा मैडम फारूखी सर और जो इस ऑनलाइन जॉइन हुए हैं उन सबको को असल वरम वा अभी जो शख्स आपसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा जो है एनएसएस और एनसीसी उनके बारे में जो बोलने वाले हैं प्रोफेसर मोहम्मद फ़रियाद सर चेयरपर्सन एन एस एस एंड हैड डिपार्टमेंट ऑफ एम मैं यहाँ पर जब आई थी जब फरियाद छर से पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी uh, जब मैं फरियाद छर से मिली थी uh, तो uh, ऐसा लगा नहीं कि सर से मैं पहली बार मिल रही हूँ ये बहुत ही uh, जोवियल पर्सन है और हमारे हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं सर मैं एज ए स्टाफ बोल रही हूँ जो मेरी पहली मुलाकात सर से हुई थी उस वक्त का एक्सपीरियंस बोल रही हूँ मैं uh, तो uh, मैं आप लोगों से भी यही uh, ये यह आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जब फरियाद सर से मिलें तो डरे ना बल्कि उनसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करें और अगर आप कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो आप सर से शेयर करना चाहें तो बेझिझक होकर शेयर कर सकते हैं आई वेलकम फरियाद सर टू कंटिन्यू दिस से असलाकुम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून टू ऑल मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत जोशो खरोश के साथ इस प्रोग्राम में सबको सुन रहे होंगे आप सबको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि आपने हिंदुस्तान की इस अज़ीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आप सबने दाखिला लिया है और अपनी जो तालीमी सफ़र है उसको इस यूनिवर्सिटी को उसका ज़रिया चुना है मेरी ज़िम्मेदारी यूनिवर्सिटी लेवल पे और आज की हद तक अगर मैं कहूँ तो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ सोशल रिस्पांसबिलिटी जिसके तहत एन एस एस एन सी सी और तमाम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन इदारे आते हैं उसके बारे में आपसे गुफ्तु करना है जैसा कि आ, मैं आप मुझे ये उम्मीद है कि आप सब ने यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ सुन रखा होगा एन सी सी के बारे में एन एस एस के बारे में स्काउट गाइड के बारे में या इस तरह के जो भी वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके बारे में मैं यहां पर पर्टिकुलर एनएसएस के बारे में आज आपको थोड़ा रोशनास करना चाहूंगा एनएसएस जिसे नेशनल सर्विस स्कीम के नाम से हम जानते हैं अगर एनएसएस की बात करें तो एनएसएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुकूमत हिंद के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर के तहत चलने वाला एक इदारा है जिसकी प्रेजेंस पूरे हिंदुस्तान के हर सूबे में है और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एनएसएस मौजूद है एनएसएस यूनिवर्सिटीज से हटके जूनियर कॉलेजेस जिसे इंटर कॉलेज भी कहते हैं यानी इलेवेंथ और ट्वेल्थ के कॉलेजेस में जहां पढ़ाई होती है उन जगहों पर भी एनएसएस मौजूद है आज अगर हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में एनएसएस वॉलेंटियर्स की जो तादाद है वो 3.8 मिलियन है 3.8 मिलियन से मुराद 38 लाख स्टूडेंट हैं जो एनएसएस के वॉलेंटियर हैं और ये डेटा भी मैं जो बता रहा हूं वो मार्च 2018 तक का जो हमें अभी तक हासिल है मैं उम्मीद करता हूं कि ये तादाद शायद अब और ज्यादा होगी एनएसएस की बात करें अगर हम तो एनएसएस का जो मोटो है नॉट मी बट यू यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा जिसका मकसद ये है स्टूडेंट्स को सोसाइटी के तई ज़िम्मेदार बनाना देखिए जब हम स्टूडेंट होते हैं तो ऐसे बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती हैं हमारी पर्सनैलिटी को हमारी शख्सियत को निखारने का काम करती हैं एस भी एक ऐसा ही इदारा है जिसका मकसद तलबा के अंदर इस तरह की बेदारी लाना जिससे वो समाज के हर तबके के तय अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और समाज में जो कुछ हो रहा है उसमें चूंकि हम ये मान के चलते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल ऐसी जगहें हैं जहां पर हमारे मुल्क का मुस्तकबिल पलता है बढ़ता है और तैयार होता है तो वहां पर एनएसएस की मौजूदगी से उन तलबा में इस बात का एहसास कराना कि समाज के तई उनकी भी जिम्मेदारी है हम जो कुछ भी हैं शख्सी तौर पे हो सकता है कि हम टीचर हों डॉक्टर हों इंजीनियर हों प्रोफेसर हों हम लेबर हों और किसी किसी दूसरे मुख्तलिफ तरीकों से हम इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं हमें एन एस एस के प्लेटफॉर्म से ये सीखने को मिलता है जो कोशिश होती है एन एस एस की ये एक फीलिंग या एहसास पैदा करना कि कोई भी काम अकेला नहीं होता और कोई भी काम छोटा नहीं होता एनएसएस के हवाले से मैं ये बताता चलूं कि एनएसएस का जो मकसद है वो यही है कि तलबा के अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा की जाए और सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं बल्कि दिमागी तौर पे भी तलबा को सेहतमंद बनाए रखा जाए साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी एहसास कराया जाए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है हम एनएसएस में हर वो काम खुद करते हैं जिसे शायद दूसरी जगह पे आप ना करते हो मिसाल के तौर पे हम जब एनएसएस का कैंप लगाते हैं एन का दफ्तर चलाते हैं तो उसकी सफाई भी खुद करते हैं बशमूल चाहे कोऑर्डिनेटर हो ऑफिसर हो या एनएसएस के वॉल्टियर्स हों हम खुद आगे बढ़ते हैं ताकि हम हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो कि सफाई का काम भी बहुत ज़रूरी है बहुत अहम है और ये कोई छोटा काम नहीं है हम कचरे साफ करते हैं हम अपने कैंपस को और कैंपस के आसपास के माहौल को आलूदगी से बचाने के अहतमाम करते हैं हम लोगों के अंदर ये बेदारी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी जरूरी है मान लीजिए मिसाल के तौर पे आजकल हम सब क्या पूरी दुनिया कोविड 19 से परेशान है और माशरे के कई सारे जो तबके हैं वो अलग अलग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस पूरे जो हालात हैं उसे निपटा जाए इससे पार पाया जाए साइंटिस्ट हैं जो अपना काम कर रहे हैं डॉक्टर्स कर रहे हैं सफाई करने वाले भी अपना काम हर कोई अपना अपना फरीजा अंजाम दे रहा एनएसएस में इसी बात की हम कोशिश करते हैं कि हम उन कामों में उनके मददगार साबित हो मिसाल के तौर पे हो सकता है कि वैक्सीनेशन चल रहा है बहुत सारे लोग जिनको वैक्सीनेशन के बारे में नहीं पता है एनएसएस के वॉलेंटियर्स आगे आते हैं और इसकी ट्रेनिंग के बाद वो लोगों तक इस बात को पहुंचाते हैं कि वैक्सीन कितना अहम है चाहे वो कोविड 19 का वैक्सीन हो या बच्चों को दिया जाने वाला वैक्सीन हो या दू दूसरे मुख्तलिफ बीमारियों के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है मैं देख रहा हूं कि हमारे तलबा बहुत सारे सवाल कर रहे हैं मैं यकीन आपके सवालों का भी जवाब दूंगा थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूं एनएसएस के हवाले से कि ये चीज है एन एस एस में आ, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी में भी एन एस एस मौजूद है और मुझे बताते हुए खुशी हो हु रही है कि एन एस एस से जुड़े जो लोग रहे हैं चाहे वो टीचर्स हों चाहे स्टूडेंट्स हों अल्लाह ने उनको मजीद कामयाबी दी है हमारी यूनिवर्सिटी में एन एस एस के जो फाउंडर कोऑर्डिनेटर थे प्रोफेसर टी वी कट्टी मनी साहब उन्होंने 2011 के से पहले एनएसएस शुरू किया था कैंपस में बाद में प्रोफेसर कटी मनी साहब वाइस चांसलर की हैसियत से उन्होंने अमरकंटक में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और आज अभी हुक्मत हिंद ने उन्हें दोबारा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी है मुझे ये जिम्मेदारी 2013 में एनएसएस कोऑर्डिनेटर की मिली हमारे पास दो यूनिट है एनएसएस के एक यूनिट में 100 बच्चे होते हैं आ, उसके अलावा 100 बच्चों के लिए सेल्फ फाइनेंस्ड एक ग्रुप भी हमें परमिशन मिली है एनएसएस डायरेक्टरेट और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से एनएसएस के एडमिशन के लिए मैं बताता चलू आपको कि जब नॉर्मल एडमिशन यूनिवर्सिटी के पूरे हो जाते हैं तब एनएसएस में एडमिशन के लिए फॉर्म निकाला जाता है आप उस फॉर्म को भरते हैं वो फॉर्म वेबसाइट पर भी होगा उस, उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप अपना फोटो लगाते हैं यूनिवर्सिटी जो आईडी कार्ड आपको देती है वो आईडी कार्ड लगाते हैं उसके बाद आपका फॉर्म इकट्ठा होकर आपके सदर शोभा डायरेक्टर या जो कंसर्न प्रिंसिपल हैं उन तक पा, उनके पास जाता है और वो उसको फॉरवर्ड करते हैं सर्टिफाई करते हैं और वो वो आपका फॉर्म एनएसएस तक पहुंच जाता है एनएसएस में आने के बाद चूंकि सीटें लिमिटेड हैं बच्चे ज्यादा होते हैं तो आमतौर पे यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और कुछ एक फॉर्मूला होता है कि भाई हम इस इतने परसेंट एक डिपार्टमेंट के बच्चे लेंगे तो जो पहले दाखिला लेता है आमतौर पर उनको मौका मिलता है मानू में एनएसएस के दो प्रोग्राम चलते हैं एक कोर्स है जो दो साल कोर्स है दूसरा प्रोग्राम मानू हिंदुस्तान की उनचंद यूनिवर्सिटीज में से एक है जिसने एनएसएस को अपने निसाब में करिकुलम में शामिल किया इसके तहत दो नॉन क्रेडिट दो आ, नॉन सीबीएसईएस क्रेडिट के तौर पे या नॉन क्रेडिट के तौर पे पेपर के तौर पे एनएसएस को आप ऑप्ट कर सकते हैं उसका जो भी मार्क्स होगा ग्रेड होगा वो आपकी मार्कशीट में आपको दिखाई देगा आप जैसा परफॉर्मेंस होगा एग्जाम पे उसके हिसाब से आपको वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा और दो साल कोर्स के लिए एनएसएस की जो बेसिक जो बुनियादी कोर्स है वो 200 वाला दो साल कोर्स है हर तलबा से हर वॉल्टियर से ख्वाहिश की जाती है कि वो मिनिमम 240 सो घंटे सोशल सर्विस के लिए दे और दो कैंप देखिए ये बहुत अहम बात है और मुझे लगता है कि आपको ये इस पर तो देनी चाहिए कि हर तलबा को दो कैंप करना लाजमी है हर स्टूडेंट मिनिमम दो कैंप अटेंड करे जो हमारा स्पेशल कैंप होता है वो एक हफ्ते से लेके दस दिन का होता है हम कोशिश करते हैं कि हम उन में जाएं, उन बस्तियों में जाएं, जिसे यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया है गोद लिया है और उन लोगों की उन गांव के लोगों की उन बस्ती के लोगों की उस स्लम के लोगों की उस झुग्गी झोपड़ी के लोगों के जिंदगी में अगर हमारी वजह से थोड़ी सी भी बेहतरी आ सके तो हमें लगता है कि हमारा मकसद पूरा हो रहा है हो सकता है कि हम वहां जाके हम एक बेसिक सर्वे बेस सर्वे करें जिसमें हम ये पता करें कि भाई इस बस्ती में कितने लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन का कितने तरह के डॉक्यूमेंट है जो वो रखते हैं हो सकता है कितने के पास है जिनके पास आधार कार्ड है जिनके पास अगर कोई बुजुर्ग हैं और उनके पास वृद्धा जो पेंशन आती है वो उसे हासिल है कोई अगर बेवा है तो उस तरह की जो पेंशन गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका फायदा उन तक पहुंच रहा है हो सकता है कि हम खुद गांव वालों के सामने झाड़ू उठाएं और एक प्लानिंग के तहत तो उस गांव में कुछ सफाई का काम करें मकसद ये होता है कि हमारे जरिए एक बेदारी आए हम खुद करते हैं तो उनको लगता है कि जब ये पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के लोग हाथ में झाड़ू लेके और सफाई के दूसरे जो सिस्टम है काम कर रहे हैं तो उनको भी लगता है कि भाई हमें ये काम करने में किसी भी तरह की शर्म नहीं आनी चाहिए ये भी एक बहुत जरूरी काम है और बहुत एहतराम करना चाहिए ऐसे लोगों का जो गंदगी साफ करने का काम कर रहे हैं जहां तक सवाल यह है कि एनएसएस के कैंप का वो इंशाल्लाह दाखिले के बाद हम बताएंगे बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं। मैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देता चलूं मानू एनएसएस ने कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं हमारी एनएसएस टीम ने 2018 में श्रीलंका में जैसे हिंदुस्तान में स्कूल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नेशनल सर्विस स्कीम है गवर्नमेंट की उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका की तरफ से वहां नेशनल यूथ काउंसिल नाम का एक इदारा है जो वहां के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बीच में काम करता है हमने दो में उनके साथ इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम किया श्रीलंका का जो एक वफद है एक कह लीजिए डेलीगेशन है जिसमें तकरीबन 40 के दरमियान स्टूडेंट और उनके ऑफिसर्स श्रीलंका गवर्नमेंट के लोग शामिल थे वो हमारे मुल्क आए हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में उन्होंने हैदराबाद शहर चुना और हैदराबाद में अलहदुल्ला मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कैंपस ने उसे होस्ट किया और हमारे कैंपस में रहे हमारे कैंपस के बच्चों ने जो एनएसएस के वॉल्टियर्स थे उन्होंने उन, उनके साथ इंटरेक्ट किया और सिलसिला आगे बढ़ता इतफाक से हालात खराब हो गए वरना हिंदुस्तान के का भी एक डेलीगेशन जिसमें हमारे बच्चे होते वो उन्हें श्रीलंका जाना था तब तक हालात दुनिया के ऐसे हो गए कि शायद सब लोग जहां थे वहीं रुक गए इससे हट के जब डिमोनिटाइजेशन हुआ नोटबंदी हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम था वित्तीय साक्षरता अभियान आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है हमारे दो वॉलंटियर्स को इस फ्लैगशिप प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे दो वॉलंटियर्स को बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड से नवाजा उन्हें दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाया गया उस वक्त के एच मिनिस्टर और दूसरे कई सारे मिनिस्टर्स वहां मौजूद थे उन्होंने उनको ऑनर किया सर्टिफिकेट से नवाजा इनामात से नवाजा और मुझे लगता है टैबलेट कुछ दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गैजेट होता है टैबलेट सर्टिफिकेट दिया जो खुद मिनिस्टर्स के साइन से थे विज्ञान भवन में उनके साथ उनको उनकी आ, लंच वगैरह पे उन्हें शामिल किया गया और दूसरे मिनिस्टर्स से मिलवाया गया और ये उनके आने जाने का पूरा जो इंतजाम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने किया था ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हमारे होते रहते हैं मैं अगर ज्यादा बताऊं उसके पहले मुझे लगता है कि अगर आप एन में आना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी ये है कि आपको कमिटेड होना पड़ेगा मेहनती होना पड़ेगा आपको ये जानना चाहिए कि एन की क्लास आमतौर पे अगर अल्लाह ने चाहा और ये कोविड जल्दी ही कंट्रोल में आया तो हम दुआ करते हैं कि आप सब जल्दी कैंपस में हो और जब कैंपस में होंगे इन तो हमारा दिन मुकर होता था कि आमतौर पे जुमे के रोज तीन बजे से हमारी क्लासेस शुरू होती थी और बिला नागा मानु एनएसएस के बारे में आमतौर पे मैं कुछ कहूं ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन जो डायरेक्टरेट ऑफ एनएसएस के लोग थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग या गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के लोग थे जो एनएसएस के जिम्मेदार थे उनके हिसाब से ये सबसे बेहतरीन यूनिट में से एक होता है वो बहुत सताइश करते हैं इनके कामों की हम प्लांटेशन ड्राइव करते हैं हम स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं हम ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं हम एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम भी में भी हिस्सा लेते हैं गोया यूं कह लीजिए कि माशरे को बेदार करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है हमारी कोशिश होती है कि हम उन तमाम चीजों में पार्टिसिपेट करें हिस्सा लें हम सिर्फ अपना नहीं सोचते हम जहाँ रहते हैं हम वहां के आसपास के लोगों की सफाई का भी ख्याल रखते हैं उनके आसपास के लोगों को भी जिस तरह का माहौल आज कोविड नाइन्टीन के जमाने में हमारे बहुत सारे वॉल्टियर्स ने ऑनलाइन प्रोग्राम चलाया रिलीजियस लीडर्स को बहुत सारे मस्जिदों के इमाम मोहिंद पुजारी उन लोगों को अवेयर किया कि नहीं भाई कोविड नाइनटीन के प्रोटोकॉल क्या है और क्या करना चाहिए तो ये है और आप सबको वेबसाइट पे जब अनाउंस हो जाएगा कि भाई जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे मुकम्मल हो जाएंगे वेबसाइट पे फॉर्म आएगा आप सबको पुर करके अपने चोड़ी के मार्फत अपना आईडी कार्ड लगाना होगा और वो फिर एनएसएस दफ्तर को वो फिर वो आ जाएगा और वहां से आपका दाखिला शुरू होगा आ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि एनएसएस और एनसीसी में फर्क क्या है देखिए दो चीजें हैं दोनों पर्सनालिटी डेवलपमेंट के काम आती हैं दोनों इदारे दोनों तनजीमें स्टूडेंट्स के लिए काम करती हैं एनसीसी बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए प्री मिलिट्री ट्रेनिंग है वो बच्चे जो डिफेंस सर्विसेज के लिए अगर ख्वाहिशमंद हैं या किसी भी तरीके के पुलिस फोर्स वगैरह में जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो एनसीसी उनकी मदद करती है वहां पर कई तरह के प्रोग्राम है मेरे ख्याल से एनसीसी के जब हमारे जिम्मेदार आएंगे तो वो उस बारे में आपसे बताएंगे एनएसएस मैंने जैसा कि अर्ज किया कि दो तरह के प्रोग्राम हैं वो दोनों दो प्रोग्राम चलते हैं तो ये एक फर्क है एनएसएस में आमतौर पे सारे काम हम खुद करते हैं लड़के और लड़कियों का दोनों इसमें हिस्सा कर लेते हैं हमारे पास लॉकडाउन जब ये कोविड नाइन्टीन से पहले तक खसूसी तौर पर एक खास बात हमारे यूनिट की ये थी कि हमारा अपना वॉल्टियर्स का एक ब्लड डोनर्स क्लब था कैंपस के लोगों को या जरूरतमंद लोगों को जब कभी भी इस तरह के खून की जरूरत महसूस होती थी प्लेटिलिट्स की जरूरत महसूस होती थी तो कोई भी कैंपस में अगर किसी को जरूरत होती तो वह मैसेज एन तक आता था और एनएसएस ग्रुप में जब वो मैसेज शेयर किया जाता है तो एनएसएस से जुड़े हुए स्टूडेंट टीचर स्टाफ लोग सामने आते थे और बहुत सारे लोगों का अपना खून का अतिया करके लोगों की जान बचाई है इनशाला हम इसको दोबारा जैसे ही कैंपस रिज्यूम होगा दोबारा शुरू होगा इनशाला हम ये प्रोग्राम भी जारी करेंगे अलग से मौलाना आजाद जिनके नाम से इदारा मंसूब है यूनिवर्सिटी मंसूब है उनकी योम पैदाइश पर भी एक रिवायत रही है कि मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता था और खास बात यह है कि हम जो ब्लड डोनेशन करते हैं वो हम सरकारी हॉस्पिटल के साथ करते हैं ऐसे हॉस्पिटल में जहां बहुत जरूरतमंद मरीज पहुंचता है गुजशत सालों में हमने कैंसर हॉस्पिटल गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल नीलोफर मेटर हॉस्पिटल मतलब ये वो हॉस्पिटल हैं जो ख़ातिन के लिए हैं जो कैंसर के हॉस्पिटल हैं जहाँ बहुत ही ज़रूरतमंद गरीब जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं हैं और ये हमारा जो अतिया के हवा ख़ून है उन ज़रूरतमंद जो गरीब पेशेंट्स हैं उन तक पहुँचे ये हमारी कोशिश होती है कई बार हम प्लांटेशन ड्राइव करते हैं हमने अगर एनएसएस के हवाले से बात करें तो हमारा एनएसएस का दफ्तर कैंपस में ही सीपीटीएमटी जो बिल्डिंग कहलाती है उसमें फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है मानु एनएसएस के का पिछले साल यूनिसेफ के साथ भी एक एमओ था कोलैबोरेशन था इनके कोलेबरेशन के साथ हमने हैदराबाद में जो बच्चों के सेहत के हवाले से एक स्पेशल प्रोजेक्ट था हमें मिला था जिसका नाम था नूर और उस नूर के उस प्रोजेक्ट नूर के जरिए हमने हैदराबाद के खास तौर से कोशिश ये है कि जो उर्दू बोलने वाला तबका है जो मार्जिनाइज सेक्शन है खास तौर से जो मुस्लिम है दलित है उन लोगों के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर हमने एक खसूसी हमारा प्रोजेक्ट था जो अलहमदुल्ला दिसंबर में कंप्लीट हुआ है और दोबारा उसी हवाले से एक नया नए प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और इनशाला जब तक आपका दाखिला होगा हमारी कोशिश होगी कि वो प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाए और एन के वॉल्टियर्स को भी हम उसमें शामिल करते हैं आ, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सवालत कर रहे हैं आ, समीर खान पूछ रहे हैं कब आना है कैंपस में तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैं भी आपके साथ दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला बहुत ही जल्द इस कोविड नाइन्टीन को कंट्रोल कर दें ताकि हम सब अपनी जो नौ, जो नॉर्मल जिंदगी है उसे बहाल हो जाए और आप सब भी कैंपस आए और सच पूछिए तो एक टीचर की हैसियत से भी बच्चों के बग़ैर यूनिवर्सिटी में हमारा भी दिल नहीं लगता बच्चे रहते हैं तो जाहिर सी बात है हमें भी मज़ा आता है और तो हम सब आपके साथ दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी इस पूरे बवा को कंट्रोल कर दे खत्म कर दे ताकि आप सब आ जाएं अः शाहिद का कहना है मोहम्मद शाहिद का कि अटेंडेंस लिंक, लिंक शेयर की, कीजिए तो मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो अभी इस प्रोग्राम के बाद में शेयर करेंगे शादाब रहमानी जो पूछते हैं कि एनएसएस ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि एनएसएस के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है एक फॉर्म आएगा जब दाखिले पूरे हो जाएंगे कैंपस में तो एक फॉर्म आएगा हमारी वेबसाइट पर भी होगा एनएसएस के दफ्तर में भी होगा और उसको आप पुर करेंगे पुर करने के बाद अपने कंसर्न एचओडी से फॉरवर्ड कराएंगे अपना आई कार्ड साथ में लगाएंगे और फिर उसे आप हमारे पास भेज देंगे जुनैद एमजे ने पूछा है एनएसएस में एडमिशन के लिए एज लिमिट है आ, अभी तक तो कोई ऐसी एज लिमिट नहीं है ज़रूरत इस बात की है कि आपके अंदर ख्वाहिश है तो मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आ, हमारे नज़दीक एज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके अंदर खिदमत का जज्बा होना चाहिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आ, किसी ने पूछा है कि भाई ये इनमेंट नंबर कब तक मिलेगा तो मुझे लगता है इसमें हमारे जो एग्जामिनेशन जो डायरेक्ट्रेट के जो साथी हैं वो आपकी शायद रहनुमाई करें तो मैं शायद इसके बारे में आपकी ज्यादा मदद ना कर पाऊं तो इरशाद वसीम ने किसी ने पूछा है कि दर दरभंगा में सर आसपास हॉस्टल है फिर मैं कहूँगा भाई मे, फिलहाल मेरी जो जानकारी है वो एन तक एस तक महदूद है, हैदराबाद तक महदूद है वैसे एनएसएस का एक यूनिट कड़पा और बेंगलोर में है अगर आप में से किसी का दाखिला कड़पा और बेंगलोर में है तो आप वहां भी एन में दाखिला ले सकते हैं फिर किसी ने अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, किसी ने लिखा है लव यू सर तो मैं भी आपको कहता हूँ सेम टू यू और अगर किसी ने पूछा कि सर एनएसएस का यूनिफॉर्म भी होता है मैं कहता हूँ आप जिस कपड़े में महजब लगे वही एनएसएस का यूनिफॉर्म है एनएसएस पर्टिकुलर कोई यूनिफॉर्म जारी नहीं करता एनसीसी के लिए यूनिफॉर्म है लेकिन NSS का मतलब है है कि जिस कपड़े में आप कंफर्टेबल हैं जो मुहज़ब है, तो वही आपका यूनिफॉर्म है इनरोलमेंट uh, नंबर कब मिलेगा सर मोहम्मद महनूर लिखते हैं तो भाई इनरोलमेंट के बारे में भी जो ज्यादा रहनुमाई है वो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन के साथ ही करेंगे जब वो आएंगे आप बिल्कुल उनसे पूछिएगा वो आपकी रहनुमाई करेंगे अंसार ने पूछा है मोहम्मद अंसार ने बॉयज़ हॉस्टल फीस कितना है तो भाई ये भी आ, मेरे इल्म से बाहर है कि कितना है भोपाल कैंपस में एनएसएस की फैसिलिटी है क्या आ, आसिफ ऑल द बेस्ट उन्होंने पूछा है जिनका आईडी एच आसिफ ऑल द बेस्ट है तो आसिफ अभी तक तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश में हूँ कि हैदराबाद कड़पा और बेंगलोर के अलावा भी बाकी कैम्पसेज में हम एनएसएस की यूनिट खोलें गवर्मेंट हमें इजाजत दे हम उसकी कोशिश में हैं दुआ करिए कि जल्दी वहां आ जाए आज की तारीख में नहीं है आ, सर एनसीसी हैदराबाद कैंपस में है अब्दुल वली का पूछना है तो मुझे खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह कैंपस में एनसीसी है एनसीसी की अपनी अलग शर्तें हैं जो हमारे एनसीसी के जिम्मेदारान आएंगे तो आप उनसे इस बारे में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं फिर किसी ने पूछा है कि एन एन एस का यूनिफॉर्म भी है क्या दोबारा बुशरा ने पूछा है ये ये नहीं है बेटा, ये एन एस एस है बेटा क्योंकि ये भी अगर आपने वर्ड्स इधर उधर किए तो बहुत फर्क हो जाएगा तो मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि कोई यूनिफॉर्म पर्टिकुलर तय नहीं है जिस कपड़े में आप कंफर्टेबल हैं जिस कपड़े में महजब लगते हैं आपको लगता है कि जिस कपड़े में आप स्मार्ट दिखते हैं मेरे ख्याल से वही पैमाना है एन एस की यूनिफॉर्म का एज का कोई मैटर है मैटर नहीं है तो मुझे लगता है कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए शायद ऐसी शर्तें हैं लेकिन एडमिशन एनएसएस में लेना चाहते हैं तो ऐसी कोई शर्त नहीं है आ, फिर ओपनिंग डेट फॉर एमसीए तो मेरे ख्याल से मेरे जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हमारे साथी डॉक्टर जमील साहब हैं वो आपकी रहनुमाई करेंगे कभी अगर मौका मिले तो आप बिल्कुल पूछिए उनसे वो तो आपकी रहनुमाई करेंगे अरबाज ने पूछा है कि बॉयज हॉस्टल के फीस क्या है सर मैं कब से आप लोगों से पूछ रहा हूं आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे भाई गलत आदमी से पूछेंगे तो कैसे पता चलेगा आप थोड़ा सा इसके पुराना सेशन चले जाइए ये इसकी रिकॉर्डिंग हमारे जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर और उनकी जो पूरी टीम है उन लोगों ने जो सबसे अच्छा काम किया है कि ये सारे वीडियोस लाइव भी हैं और यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे तो हमारे से पहले का जो सेशन था उसमें मेरे ख्याल से प्रवोज साहब आपसे मुखातिब थे उन्होंने बहुत तफसील से इसकी इतला दी है आपको आप दोबारा से वो रिवाइन करके उनका लेक्चर सुन लें प्रोफेसर मुश्ताक अहमद पटेल साहब का तो मुझे लगता है कि वो सही रहनुमाई आपकी हो जाएगी मनु लेगा तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन एक मरला है हॉस्टल दूसरा मरहला है एनसीसी तीसरा मरला है और सब जगह आपको अप्लाई करना होगा इंफरादी तौर पे आपको करना ही पड़ेगा तो ये एक चीज है हॉस्टल अप्लाई का लास्ट डेट बेटा मेरे ख्याल से प्रोफेसर मुश्ताक पटेल साहब के जो लेक्चर में आप जाएं वो आपकी रहनुमाई होगी लास्ट डेट कब है एन एस एस संभल में है क्या सर शादा रहमानी ने पूछा है नहीं बेटा अभी संभल में नहीं है लेकिन हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी हैदराबाद बेंगलोर और कड़पा कैंपस के अलावा दीगर कैंपसेस में भी एन की जो यूनिट है वो खुल जाए अभी तक तो नहीं है तो बुशरा ने फिर एक ऐसा सवाल पूछा है जो मुझे मुश्किल में डाल रहा है कि सर यूनिवर्सिटी में क्या बुरका पहनना लाजमी है नहीं मैं आपसे ये कह सकता हूं मतलब मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट तो मैं नहीं कह सकता उसके लिए जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो बताएंगे लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि फिर मैं वही कहता हूं कि आप तय करिए कि आपके लिए महजब लिबास क्या है आप जिस लिबास में कंफर्टेबल है जो महजब आपको लगता है कि आप मुहजब हैं किसी खास अच्छी जगह जाना है किसी अच्छे शख्स के पास मतलब यूनिवर्सिटी में इधारे में जाने के लिए आपका लिबास क्या होना चाहिए आप मुंतखब करिए बुरका पहनना और ना पहनना यह आपका जती मसला है जाती पर, मतलब सोच है आप उसके हिसाब से फैसला ले सकते हैं यूनिवर्सिटी इसमें किसी भी तरह की ना तो बुरका पहनने पे पाबंदी लगाती है और ना ही बुरका पहनने की कोई बहुत सख्ती करती है कि आपको पहनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है न्यू एडमिशन वालों को भी हॉस्टल अप्लाई करना है भाई ये बात तो हो ही चुकी है आ, कटक में क्या क्या है अब कटक में हमारा कैंपस है पॉलिटेक्निक है और अच्छा शहर है हिंदुस्तान का कटक आपका अगर दाखिला वहां होता है तो आप बिल्कुल देखें कटक में भी एनएसएस की एक यूनिट है मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अगर आप पॉलिटेक्निक के साथ साथ आप वहां पर वो भी कर सकते हैं तो मोहम्मद महनूर ने फिर पूछा है कि सर अगर जिसका एज नहीं हुआ है वो वैक्सीन कैसे लेगा हाँ बेटा बात आपकी बिल्कुल सही है हम तो कहेंगे कि आप दुआ करिए कि अल्लाह ताला इस पूरे बवा को ही खत्म कर दे ताकि निजात मिले इन तमाम चीजों से अब इस बारे में जो रहनुमाई है वो हमारे दूसरे साथी करेंगे मेरी मालूम बहुत थोड़ी है इस बारे में आ, मैं राइट पर्सन नहीं हूँ इस हवाले से आप बताने के लिए कौसर जहाँ पूछा है कि सर मैं हैदराबाद जाना चाहती हूँ स्लाइडिंग में अभी नंबर नहीं आया है अभी चांस है या नहीं बेटा ये डायरेक्ट्रेट ऑफ एडमिशन के जो हमारे साथी हैं वो आपकी रहनुमाई करेंगे मेरी इस बारे में बहुत ही कम मेरी मेरी फहम है मैं आपको शायद ना बता पाऊँ बेहतर होगा डायरेक्ट्रेट ऑफ एडमिशन का जो हेल्पलाइन नंबर है आप ई एड्रेस है उस ई मेल आप रब्ता करें उनको ई मेल लिखें और इन रहनुमाई होगी किसी ने पूछा है ब्लैक गोल दरभंगा वालों के लिए हॉस्टल का ऑप्शन नहीं है क्या तो फिर मैं कहूँगा अभी हमारे से पहले जो मुकर थे प्रोफेसर मुश्ताक अहमद पटेल साहब आप उनका लेक्चर सुने यूट्यूब पे आई एम सी मानू के चैनल पे है मेरे ख्याल से आपकी रहनुमाई हो जाएगी अः फिर किसी ने पूछा है कि आ, सर एन टाइमिंग क्या होगा ये बहुत अहम बात है देखिए एन के हवाले से ये आ, मैं बार बार कहता हूं कि NSS जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी निखारने के लिए है आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लेकिन आपके रेगुलर एकेडमिक कॉस्ट पर नहीं आपकी जो रोजमर्रा की क्लासे हैं उसको हम डिस्टर्ब बहुत कम से कम करने की कोशिश करते हैं यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी तय कर रखा है टाइम टेबल में एन का वक्त जो आमतौर पे जुमा को होता है सेकेंड हाफ में तीन बजे के बाद से और उस वक्त आप एनएसएस का काम करते हैं उसके अलावा बहुत सारे इवेंट होते हैं हमारी कोशिश होती है कि एनएसएस की वजह से आपके डेली क्लासेस डिस्टर्ब ना हो और वो चीजें आपको पहले बता दी जाती हैं और जब आप आएंगे इन कैंपस में एन की क्लासेस अटेंड करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो जो आपके दिमाग में जिस तरह जितने भी सवाल हैं इन उसका इजाला हो जाएगा बहुत सारे लोग मुझे शुक्रिया कह रहे हैं इसका मतलब मुझे लग रहा है कि शायद मेरा काम हो गया है मुझे जाना चाहिए आ, लेकिन मुझे वक्त जो इन्होंने दिया है वो पाँच बजे तक दिया है तो, तो छः मिनट वो भी है लेकिन मुझे अभी पता चला है वोट ऑफ थैंक्स भी है जो ज़रूरी है मोहम्मद शमीम भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं किसी ने पूछा फैज़ुलरहमान सिद्दीकी ने कॉलेज टाइमिंग क्या है बेटा मैं तो यूनिवर्सिटी में हूँ तो यूनिवर्सिटी की टाइमिंग बता सकता हूँ सुबह नौ बजे से लेकर मौलाना आज़ाद उर्दू तो यूनिवर्सिटी हैदराबाद की जो टाइमिंग है सुबह नौ बजे से लेकर शाम को साढ़े पाँच बजे तक हम काम करते हैं क्लासेस हमारी इस दरमियान होती हैं लेकिन अगर आपने कहीं आ, प्रोफेशनल कोर्स में लिया है तो हो सकता है थोड़ी आगे पीछे हो सकती है और ताखिर तक आपकी क्लासेस चल सकती हैं हॉस्टल अगर नहीं मिला तो कैंपस में रहना नहीं मिलेगा क्या हाँ बिल्कुल नहीं ये बात बिल्कुल सही है कि हॉस्टल में रहने के लिए जरूरी है कि आपका हॉस्टल में एडमिशन हो उसके बगैर इजाजत नहीं देती है बल्कि अगर कोई हॉस्टल में लीगल पाया जाता है तो मुझे जहां तक इतला है उसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया जाता है तो मेरे ख्याल से पहले से आपको ये बात पता होना चाहिए कितने बजे तक क्लास चलता है बेटा साढ़े बजे तक चलता है जहां तक मेरी मेरी नॉलेज है एन एस ज्वाइन करने का प्रोसेस मैंने कई बार रिपीट किया है आपकी वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखते रहिए जैसे ही एडमिशन मुकम्मल हो जाएंगे एन का एक फॉर्म आएगा उस फॉर्म को आप भरेंगे भरने के बाद एच से फॉरवर्ड कराएंगे अपना आई कार्ड साथ में लगाएंगे और वो एन दफ्तर को जमा करेंगे और उसके बाद जो अगर आप का दाखिला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत अगर हो गया तो आप इन शाह एन में आपका दाखिला होगा और आप हमारे एनएसएस एस वॉलेंटियर हो जाएंगे मुझे लगता है ये बातें काफ़ी मुकम्मल हो गई और मोहम्मद हाशमी रजा जैसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे मान जाना चाहिए मुझे माइक छोड़ देनी चाहिए मुझे लग, शायद मेरी बात मुकम्मल हो गई है ऐसा महसूस हो रहा है तो मैं आपको और ज्यादा बोर नहीं करूँगा इन्हीं चंद बातों के साथ मैं एक बहुत ही अच्छे कैरियर के लिए एक नेक काम के लिए फलाह बहबूद के काम के लिए माशरे की भलाई के लिए एनएसएस में आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस्तकबाल करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ बेहद शुक्रिया अल्लाह हाफिज बहुत बहुत शुक्रिया फरियाज साहब फरियाज साहब की एक खासियत है कि वो बच्चों के साथ और बहुत अच्छा इंटरेक्ट करते हैं और स्टूडेंट्स भी उनके साथ इसीलिए सेशंस को एंजॉय करते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन सेशन था सर आपका इसी के साथ जैसा कि महाराज साहब कल्चरल एक्टिविटीज़ का लेक्चर ले रहे थे और हॉस्टल वार्डन भी हैं तो उन्होंने अभी अभी ये इंफॉर्मेशन बताया बताई है कि अभी जो हॉस्टल फॉर्म्स आए हैं वो फर्स्ट ईयर जो अभी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं क्योंकि उनके लास्ट ईयर हॉस्टल एडमिशन नहीं हुए थे पैंडमिक की वजह से तो पहले तो हम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का हॉस्टल एडमिशन करेंगे और साथ ही में ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने आ, के बाद जो नए बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में जो आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो आ रहे हैं जिनका अभी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है उनके हॉस्टल्स के फॉर्म भी आ जाएंगे सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जो अभी है जो अभी फॉर्म आया है वो अप्लाई कर सकते हैं उसके थ्रू दूसरी बात ये है कि जैसे बाहर के कैम्पसेस के बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं तो आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने अपने कैंपस को कनेक्ट करें आप, आप अपने अपने कोऑर्डिनेटर्स uh, को कनेक्ट करें क्योंकि ये आज का दिन और कल का दिन जो है आपको लोकल ही एस करना है वो अपने कैंपस के थ्रू गूगल मीट के थ्रू या जैसा भी वो आप लोगों को uh, मुखातिब करेंगे uh, इसी के साथ अब uh, आज का सेशन अब uh, आखिरी मरहले में है और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं राशिद फारूकी साहब जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट से ताल्लुक रखते हैं बहुत ही डायनेमिक इंसान है इनकी आवाज बहुत खूबसूरत है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वालेकुम आदाब मैं मोहम्मद राशिद फारूकी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट आपसे मुखातिब हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माय कम्युनिटी एंड कलीग्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रेड माय मोस्ट

इनके जो ख़्यालत व तसरात हैं वह काबिल तारीफ हैं मैं समझता हूँ मुस्तबिल में आप तलबा के नशोनुमा के लिए भी काफ़ी मौसर साबित होगा एन एस एस और उससे जुड़े हुए मालूम उन्होंने फ़राहम किए लीडरशिप को भी रोशनास कराया मैं मैनेजमेंट से हूँ तो लीडरशिप को बखूबी बाखुद, समझता हूँ कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी और फिर जब आप प्रोफेशनल कैरियर में आते हैं तो कैसे आपके लिए कारगर है उसके अलावा बहुत ही सादा और सलीस ज़ुबान में उन्होंने रोज़मर्रा की बातें जो माशरे को कैसे बेहतर बनाएं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया और आपके जो भी इनकोटिव uh, कोश्चन्स थे आपके जहन में उसको बहुत ही अच्छे तरीके से खुशअसलूबी से उसका जवाब दिया सर आपका बेहद शुक्रिया एक शेर आपके नज़र करना चाहूंगा किस रुख से चले हैं यह तो वक्त ही बताएगा हम जिसके मुंतजिर हैं सर वो इनकलाब हैं फर्दर ए बिग थैंक टू द होस्ट डॉ जमील अहमद ए यंग डायना फैकल्टी फॉर शेड्यूल इनोवेटिव आइडियाज आई मैं ग्रेटिट्यूड टू हिम ऑल्सो लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वु टू प्लेस माई हार्टी थैंक्स टू ऑल द वेंटियर्स एंड पार्टिसिपेंट्स आप तमाम अहबाब का मशकूर हो ममनून हूँ आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हो के शुक्रिया का मौका दिया तो जाते जाते एक शेर मैं अपने लिए भी ख़ूबियाँ इतनी तो नहीं हम में कि किसी के दिल में घर बसा पाएंगे पर भुलाना भी आसान ना होगा कुछ पल ऐसा दे जाएंगे शुक्रिया दावर